नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होते हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी गुफ्तगु आपकी समातों के हवाले और कलाम आपकी समातों के हवाले करते हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी प्यारी शख्सियात हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। अल्लामा किसी तारफ के मोहताज नहीं और इनके वालद गिरामी भी माशाल्लाह आलम दीन मेरे उस्ताजी व मोहतरमी हजरत अल्लामा मौलाना हकीम मोहम्मद अफजल नक्शबंदी मुजद्दी साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, उनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। और उनके माशाल्लाह साहबजादे हैं, शायर भी हैं, आलम दीन भी हैं, सना खान भी हैं और इनके साथ साथ इनके जितने बरादरान हैं माशाल्लाह आलम दीन है, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मोहतशम रिजा नूरी रिजवी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है मौलाना? ठीक है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया जी, वक्त देने का भी शुक्रिया। और दूसरे आलम दीन बड़ी प्यारी शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना एजाजुर रहमान साहब कादरी दरमियान में हमें ज्वाइन करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और सना खानान मुस्तफ़ा में से बड़ी प्यारी शख्सियत शहर शाहकोट की सरजमीन से हसीन नाम लिए हुए मोहम्मद नबील अहमद चिश्ती गोलड़वी साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। क्या हाल जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है? करम हजूर का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया। रमजानुल मुबारक के साथ हैं, अब तो आखिरी घड़ियां हैं तकरीबन कह सकते हैं, आखिरी रोजे हैं, तो कैसा गुजरा? अल्लाह हजूर की खास रहमत है, अल्लाह पाक ने ये बाबरकत महीना हमारी जिंदगी में दिया और करम है ये हजूर का कि हमारी ज़िंदगी में जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है हुज़ूर के साथ इश्क और मोहब्बत के साथ ये वक्त बीत रहा है। अल्लाह आपको सलामत रखे जी। नाज़रीन, इनके साथ हमारे दरमियान बड़ी प्यारी शख्सियत सैयद इब्ने सैयद, बड़ी प्यारी शख्सियत, बहुत प्यारा आस्ताना है, मुरीदीन हल्का अहबाब बहुत ज़्यादा है, नकाबत के मैदान में देखें नामवर शख्सियत और यकीनन बहुत प्यारी शख्सियत, प्यार बांटने वाली, लेने वाली, देने वाली शख्सियत जनाबे साहिबजादा पीर सैयद हसन रज़ा शाह साहिब काज़मी ज़ीदा मजदूहू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। क्या हाल है शाह जी? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह। साहब भाई आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार बज़्मे सैफ रमज़ान ट्रांसमिशन में फिर खुश आमदीद जी। आपकी बहुत मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया, आपका प्यार, आपकी लजपाली, मैं एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सैफी साउंड सिस्टम वालों का और रिजवी मूवीज़ वालों का और आपके डायरेक्टर हाफिज मुबशर साहब का और आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने एक मरतबा फिर बंदन चीज़ को याद किया। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह जी। और इनके साथ नन्ने सना खान, कम सिन सना खान, आज़म कादरी साहब के शागिर्द खास मोहम्मद ताहा कादरी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रसूल का बड़ा एहसान। और नाजरीन हमें दरमियान में ज्वाइन करेंगे भाई मोहम्मद अदनान चिश्ती गोलड़वी साहब, इंशाल्लाह वो भी दरमियान में तशरीफ़ ले आएंगे और हदिया अकीदत पेश फरमाएंगे। आज का मौजू बहुत प्यारा है, सब्र और शुक्र की अहमियत, और इस हवाले से आज इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल गुफ्तगू करेंगे सब्र क्या है और इसके साथ साथ शुक्र के हवाले से इसकी अहमियत क्या है, ज़रूरी क्यों है और सहाबा इकराम कैसे अल्लाह का जो है शुक्र अदा करते थे और सब्र कैसे करते थे, अहले बैत तहार उनका सब्र और अल्लाह का शुक्र अदा करना, ऐसे सवालात इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल शामिल करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप सवाल करना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट्स की शक्ल में अपना सवाल लिख सकते हैं। आगाज़ में शुक्रिया अदा करता हूँ सैफी साउंड सिस्टम वालों का, रिजवी प्रोडक्शन मूवीज़ वालों का और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह एबीसी गारमेंट्स पूरा महीना हाफिज़ मोहम्मद बिलाल मशर साहब डायरेक्टर हमारे तशरीफ़ लाते रहे और ये मोहब्बतों जो मोहब्बतों का सफ़र जो है इसके साथ हमारे साथ साथ रहे, इनका भी शुक्रिया। और इसके साथ साथ मदनी वेलफेयर आर्गनाइजेशन अंजुमन निसार मुस्तफ़ा के हवाले से दीगर अबाब जी आर कंप्यूटर्स इंटरनेट वालों ने बहुत तआवुन फरमाया, भाई ताहिर मुगल साहब उनका भी शुक्रिया। आइए हमदे बारी ताला से इस बज़म का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पीरज़ादा पीर सैयद हसन रज़ा शाह साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है जी। किबला पीर साहब हमदे बारी ताला से मैं चाहता हूँ साथ में नातिया कलाम भी शामिल कर लें और उसी के साथ हमने जो है अल्लामा साहब की जानब बढ़ना है और सवालात का सिलसिला इंशाल्लाह शुरू करेंगे जी। बिस्मिल्लाह जी। बहुत शुक्रिया साहब भाई आपकी मोहब्बतों का।
आप हमेशा सलामत रहें, अल्लाह ताला आपको दारान की खुशियाँ अता फरमाए। आमीन। एक मरतब फिर मेरी बड़ी खुश नसीबी है आज एक मरतब फिर बज़्म सैफ के मैं प्लेटफार्म पर हाज़िर हूँ, और हमारी बड़ी खुश नसीबी है एक अजीम आलम दीन के अजीम बाप के अजीम बेटे आज हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं, जो किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। लिखते भी बहुत आला हैं, पढ़ते भी बहुत आला हैं, और हर लिहाज के साथ आलम दीन भी हैं, हाफ़िज़ कुरान भी हैं, और कारी कुरान भी हैं, नकीब महाफ़िल-ए-नात भी हैं, और सरकार के अजीम सरकार के सना खान भी हैं। अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़तों से नवाजा है। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा हाफिज़ मोहतशम रज़ा नूरी साहेब तशरीफ़ फरमा हैं। आपको मैं अपनी तरफ से और साहब भाई की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम जी साहब भाई, मैं हमद बारी ताला पेश करना चाहता हूँ हमारे शहर मानावाला के बहुत अजीम नात गो शायर हैं हाफ़िज़ लियाकत अब्बास लियाकत साहब, सलामत रहे माशा अल्लाह, आंखों से नबीना हैं लेकिन तीन किताबों के मुसन्निफ़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दो किताबें लिखी हैं सैफ जहान निकाब, जो पूरे पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने आपको बहुत इज्जतों से नवाजा है। हाफ़िज़ लियाकत अब्बास लियाकत साहब लिखते हैं कि खुदा नु कई यार यारा च लभ दे, माली खुदा नु बहारा च लभ दे, के खुदा नु का यार यारा च लभ दे, माली खुदा नु बहारा च लभ दे, के ताजर उनु ताजदारा च लभ दे, कई दीदावर पर्देदारा च लभ दे, कोई आखदाए ओ दीवाने च रब्बे, मखारा च रब्बे मखाने च रब्बे, हुसन ते इश्क दे फसाने च रब्बे, कोई आके सारे जमाने च रब्बे, अरे कोई आके सारे जमाने च रब्बे, कोई कहंदा पीरा फकीरा च रब्बे, अमीरा गरीबा असीरा च रब्बे, ते ख्वाबां दियां सब तबीरा च रब्बे, कोई आके रोशन जमीरा च रब्बे, शमा च रब्बे पतंगा च रब्बे, अमन विच रब्बे ते जंगा च रब्बे, दो आलम दे सारे ही रंगा च रब्बे, गीता च रब्बे ते साजा च रब्बे, अदल दियां राजा नियादा च रब्बे, ते सब कारियां दी इबादा च रब्बे, किसी अर्शे आदम ते रब नू ठहराया, ते आलम कवन खाने काबे च रब्बे, मुर्शिद ने जिदो पर्दा गफलत दा चाया, मुहम्मद च लियाकत खुदा नजर आया, अरे मुर्शिद ने जिदो पर्दा गफलत दा चाया, मुहम्मद च लियाकत खुदा नजर आया, क्योंकि हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद कि हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद कि दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, अरे मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद, अरे मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद, किबला मोहतशम भाई तशरीफ फरमा है, साहब भाई आपकी मौजूदगी में हजरत आदम को मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद, हजरत शीश को मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद, हजरत नूह को मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद, हजरत यहया को मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद, हजरत ज़करिया को मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद, हजरत इदरीस को मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद, हजरत इब्राहिम को मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद, हद इस्माइल को मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद, हद यकूब को मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद, हद यूसुफ को मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद, हद मूसा को मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद, हद ईसा को मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद, हर नबी हर सहाबी गौस कुतुब अब्दाल कलंदर को मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद, बस दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, अरे मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। सुभानल्लाह सुभानल्लाह, जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह आपकी आवाज़ में अंदाज में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। एक कलाम अल्लाह अल्लाह वो जो मैंने आपके घर में पढ़ा था, मैं चाहता हूँ उसके चार्च में से आज अपनी ज़बान से ही ज़रा पढ़ दें तो ज़रा महफिल पाक का जो हुस्न है वो दुबाला हो जाएगा। अदनान भाई साथ देंगे किबला शाह साहब का जी, बिस्मिल्लाह शाह जी। वाह वाह भाई, ये बहुत मुश्किल काम है आपकी मौजूदगी में, ये आपने अता किया हुआ है और पूरे पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने आपकी वजह से इस कलाम से अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत बख्शी है। ये होना चाहिए, जिसने अता किया उसका नाम होना चाहिए किसने बंदे ने मुझे दिया है, और आपने ये कलाम और उसके बाद नादी अली का कलाम और हमने पूरे पाकिस्तान में पढ़ा, अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत से नवाजा है। आज मौजू भी आपका बहुत सब्र और शुक्र का है, इंशाल्लाह मैं हमदिया जिस तरह आपने बोला है वो कलाम उसी के साथ एक मौला हुसैन की बारगाह में, फिर इंशाल्लाह मैं उसमें सब्र का जिक्र भी है, फिर इंशाल्लाह हम इजाज़त चाहेंगे आपसे। अदनान भाई इंशाल्लाह आज हमारे साथ हैं, नबील भाई ताहा भाई साहब भाई पीर बुल्ले शाह साहिब कलंदरे कसूरी लिखते हैं कि डाल दे सूरज चढ़दे वेखे बुझदे दीवे बलदे वेखे, जिन्ना दाना जगते कोई
ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪਲਦੇ ਵੇਖੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦਾਣਾ ਜਗਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪਲਦੇ ਵੇਖੇ ਹੀਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਵੇ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਦੇ ਵੇਖੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਗਲਦੇ ਵੇਖੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬਾ ਅਰੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਚਲਦੇ ਵੇਖੇ ਅਰੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬਾ ਅਰੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਚਲਦੇ ਵੇਖੇ ਬਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣੇ ਦੀਜੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਜਿਸਮੇ ਰੱਬਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਸਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਜਿਸਮੇ ਰੱਬਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਸਾਇਆ ਨਾ ਤੁਕ ਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਜਾਇਆ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਬਾ ਉਹ ਬੁੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਹਰਤਾ ਉਹਨੇ ਐਹੋ ਗਾਇਆ ਅੱਲਾ 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 ਹੂ ਅੱਲਾ 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 ਹੂ ਅੱਲਾ 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 ਹੂ ਅੱਲਾ 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 ਹੂ ਢਹਿ ਗਏ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਢਹਿ ਗਏ ਮਹਿਲ ਮਿਨਾਰੇ ਕੇ ਢਹਿ ਗਏ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਢਹਿ ਗਏ ਮਹਿਲ ਮਿਨਾਰੇ ਸਦਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਬੰਦਿਆ ਬਲਦੇ ਬੁਝਦੇ ਤਾਰੇ ਸਦਾ ਨਾ ਫੁੱਲਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਨਾ ਯਾਰ ਸਹਾਰੇ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਯਾਰੋ ਦੱਸੋ ਮਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਬੋਲ ਅੱਲਾ 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 ਹੂ ਅੱਲਾ 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 ਹੂ ਅੱਲਾ 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 ਹੂ ਅੱਲਾ 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 ਹੂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਬੁਝੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮੁੱਲਾ ਪੰਡਤ ਸਾਰੇ ਕੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਬੁਝੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮੁੱਲਾ ਪੰਡਤ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਖੋਜ ਕੁਰਾਨਾ ਲੱਭਾ ਸਜਦੇ ਕਰ ਕਰ ਹਾਰੇ ਰੱਬ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਇਸ਼ਾਰੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਓਨੋ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰਤ ਤਨ ਮਨਵਾਰੇ ਬੋਲ ਅੱਲਾ 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 ਹੂ ਅੱਲਾ 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 ਹੂ ਅੱਲਾ 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 ਹੂ ਮੈਂ ਨੀ ਵਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਉੱਚਾ ਉੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ ਮੈਂ ਨੀ ਵਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਉੱਚਾ ਉੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ ਸਦਕੇ ਜਵਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਬੋਲ ਅੱਲਾ 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 ਹੂ ਅੱਲਾ 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 ਹੂ ਦਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਹਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਹਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰੀਏ ਤਕਵਾ ਰੱਖ ਮਹਿਬੂਬਾ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਦਵਾਰਾ ਮਲੀਏ ਬੋਲ ਅੱਲਾ 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 ਹੂ ਅੱਲਾ 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 ਹੂ ਅੱਲਾ 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 ਹੂ ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਤੇ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਤੇ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਨਬੀ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਲਗੇ ਹਰ ਜਾਈ ਅੰਦਰ ਬੂਟੀ ਮੁਸ਼ਕ ਮਚਾਇਆ ਜਾਣ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆਈ ਜੀਵੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਾਮਿਲ ਬਾ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੂਟੀ ਲਾਈ ਹੂ ਅੱਲਾ 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 ਹੂ ਅੱਲਾ 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 ਹੂ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਚਾਰ ਯਾਰ ਹਾਜੀ ਖਾਜਾ ਕੁਤਬ ਫਰੀਦ ਹੱਕ ਫਰੀਦ ਸ਼ਾਹ ਫਰੀਦ ਹੱਕ ਫਰੀਦ ਸ਼ਾਹ ਫਰੀਦ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਫਰੀਦਾ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁਦਿਆ ਤੂੰ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਹੱਕ ਫਰੀਦ ਸ਼ਾਹ ਫਰੀਦ ਹੱਕ ਫਰੀਦ ਸ਼ਾਹ ਫਰੀਦ ਹੱਕ ਫਰੀਦ ਸ਼ਾਹ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਕਲਾਮ ਆਪਨੇ ਸਮਾਤ ਕੀਆ ਬਸ ਮੈਂ ਦੋ ਸੇ ਤੀਨ ਅਸ਼ਾਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਲਜਪਾਲ ਬਾਰਗਾ ਮੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਬਾਰਗਾ ਮੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਂ ਆਗੇ ਚਲਤਾ ਰਹੇਗਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਕਾਰ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਕਰਬਲਾ ਕਾ ਵੋ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਜੋ ਮੈਦਾਨ ਕਰਬਲਾ ਮੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਕਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਮੈਂ ਵੋ ਚੰਦ ਅਸ਼ਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਹਾਕਿਮ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਲਿਖਾ ਹੁਆ ਕਲਾਮ ਹੈ ਹਾਕਿਮ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਤੇ ਕਿ ਪਿਸਰੇ ਸ਼ਾਹੇ ਕੋਨੈਨ ਹੂੰ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਹੂੰ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਹੂੰ ਕਿ ਪਿਸਰੇ ਸ਼ਾਹੇ ਕੋਨੈਨ ਹੂੰ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਹੂੰ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਹੂੰ ਜ਼ਹਰਾ ਕਾ ਨੂਰੇ ਐਨ ਹੂੰ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਹੂੰ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਹੂੰ ਅਰੇ ਕਿਸਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਹੂੰ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਇਬਨੇ ਇਮਾਮ ਹੂੰ ਮੈਂ ਹੁਰਮਤੇ ਹਰਮੈਨ ਹੂੰ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਹੂੰ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਹੂੰ ਅਰੇ ਮੈਂ ਹੁਰਮਤੇ ਹਰਮੈਨ ਹੂੰ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਹੂੰ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਹੂੰ ਆਜ ਕਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਸਬਰ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਮੇਂ ਫਰਮਾਤਾ ਹੈ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾ ਸਾਬਰੀਨ ਮੈਂ ਸਬਰ ਵਾਲੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਹੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮੇਂ ਮੁਤਸ਼ਮ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾਲ ਮੁਸੱਲੀਨ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ੀਓ ਕੇ ਸਾਥ ਹੂੰ ਬਲਕਿ ਖਾਲਿਕ ਫਰਮਾਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਬਰ ਵਾਲੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਹੂੰ ਆਈਏ ਮੈਦਾਨ ਕਰਬਲਾ ਮੇਂ ਚਲਤੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਿਸ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ ਹੱਕ ਕਿਸ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਯਜ਼ੀਨ ਸ਼ਿਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਨ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੜੇ ਨੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਜ਼ਿੰਜ ਸਬਰ ਆਇਆ ਅਜ਼ਾਨ ਇਧਰ ਵੀ ਹੈ ਅਜ਼ਾਨ ਉਧਰ ਵੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਇਧਰ ਵੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਉਧਰ ਵੀ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼ ਇਧਰ ਵੀ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼ ਉਧਰ ਵੀ ਹੈ ਕਾਰੀ ਇਧਰ ਵੀ ਹੈ ਕਾਰੀ ਉਧਰ ਵੀ ਹੈ ਕਲਮਾ ਇਧਰ ਵੀ ਹੈ ਕਲਮਾ ਉਧਰ ਵੀ ਹੈ ਦੀਨ ਇਧਰ ਵੀ ਹੈ ਦੀਨ ਉਧਰ ਵੀ ਹੈ ਕਯਾਮ ਇਧਰ ਵੀ ਹੈ ਕਯਾਮ ਉਧਰ ਵੀ ਹੈ ਰੁਕੂ ਇਧਰ ਵੀ ਹੈ ਰੁਕੂ ਉਧਰ ਵੀ ਹੈ ਸੁਜੂਦ ਇਧਰ ਵੀ ਹੈ ਸੁਜੂਦ ਉਧਰ ਵੀ ਹੈ ਤਸ਼ਹਦ ਇਧਰ ਵੀ ਹੈ ਤਸ਼ਹਦ ਉਧਰ ਵੀ ਹੈ ਸਲਾਮ ਇਧਰ ਵੀ ਹੈ ਸਲਾਮ ਉਧਰ ਵੀ ਹੈ ਅਦਾ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿਆ ਹੈ ਇਧਰ ਯਜ਼ੀਦ ਹੈ ਉਧਰ ਹੁਸੈਨ ਹੈ
इधर यजीद है उधर हुसैन है। हजरत हुर की बात मौला हुसैन की बारगाह में पहुंची। मौला हुसैन अलैहि सलाम खैमा से बाहर आते हैं, हजरत हुर को कहते हैं वह शम्स का मैं अमीन हूँ, मुझे समझिए मैं दीन हूँ। अरे वह शम्स का मैं अमीन हूँ, मुझे समझिए मैं ही दीन हूँ। बा खुदा खुदा का दारैन हूँ, बस मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ। जब ख्वाजा खाजगान ख्वाजा हिंदुल वली अताई रसूल ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ाया। हिंदू कहते बाबा जी तेरा दीन केड़ा है, तेरा मजहब केड़ा है, तेरा कीदा केड़ा है। ख्वाजा साहब कहते हैं मेरा दीन है शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्तर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन, हक्का के बिना ला इला शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। और ये पूछना ही अब से है कहाँ कहाँ थे हुसैन, निहा निहा तो नहीं थे अया अया थे हुसैन, और मुबाहिला हो किसा हो के दश्ते करबो बला, जहां जहां थी जरूरत वहां वहां थे हुसैन, जहां जहां थी जरूरत वहां वहां थे हुसैन। और सूफी बासफा वली कामल सूफी मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी अलैहि रामा आप फरमाते हैं कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक अरफा मकसद के लिए अपनी अपने मालो जान अहलो आयाल अजीज़ो अकारब और अहबाब बावफा की कुर्बानियां पेश करके यजीदियों की कुव्वतों के ऐवानों में जलजला पैदा कर दिया। इसीलिए यजीद कयामत तक लानत के तौर पर जिंदा है, जबकि मेरा हुसैन नेकी के नाम पर जिंदा है और जिंदा रहेगा। फातिमा का नूरे ऐन जिंदाबाद, फातिमा का नूरे ऐन जिंदाबाद, पिसर अली का शहे मशरकैन जिंदाबाद, और कोई यजीद को गर करबला में ले आए उसे भी कहना पड़ेगा हुसैन जिंदाबाद। नाजरीन सबर और शुक्र इसकी अहमियत क्या है, तो अल्लामा साहब हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। जी अल्लामा साहब कुरान और हदीस के हवाले से सबर और शुक्र की जो अहमियत है क्या फरमाएंगे इस हवाले से। बिस्मिल्लाह वस्सलात वस्सलाम अला रसूलिल करीम। सबसे पहले तो सैफ साहब एक मरतबा फिर बज़्म सैफ के तमाम अराकीन सैफी साउंड सिस्टम रिजवी प्रोडक्शन और जितने भी आपके रफ़का और अहबाब हैं सबको मुबारकबाद इस खूबसूरत कारवां को मंजिल तक ले जाने में। जितने अहबाब भी अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं अल्लाह तबारक तआला सबको दारैन की बरकतों से इम्तिनान फरमाए। आमीन। सबसे पहली बुनियादी बात मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस मौजू की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है सब्र और शुक्र। तो देखना यह है कि इस दुनिया का एक कानून है कि जब भी किसी चीज़ की अहमियत को उजागर करना होता है तो उसके कुछ तकाजे होते हैं, उसके लिए कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। वाह वाह बेशक। देखें अभी यहाँ पर गुफ्तगू हो रही है तो ज़ाहर नबील चिश्ती साहब तशरीफ़ रख रहे हैं, ताहा भाई हैं, और सैयद हसन रज़ा शाह साहब ने जिस अकीदत और जिस मोहब्बत के साथ अपनी मोहब्बतों का इजहार किया और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम के हुजूर अपनी अकीदतों का खिराज पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो आवाज़ें तो सबको अल्लाह तबारक तआला ने अता कर रखी हैं, और अगर इन्हीं आवाज़ों को हुसन देना हो दौरे हाजिर के मुताबिक तो किसी न किसी माइक का वो सहारा लेना ज़रूरी है, यानी सैफी साउंड का होना ज़रूरी है। और अगर यहाँ पर बैठ कर हमें दूर दराज इलाकों तक पहुंचना है तो फिर कैमरे का होना ज़रूरी है। बायनी ही सबर सबर जो है ना, जीते रहिए। अगर ईमान को हमने मजबूत रखना है और ईमान को बचाना है ना तो उसके लिए सबर का होना बड़ा ज़रूरी है। सबर इसलिए ज़रूरी है और सबर इसलिए लाजम है कि ये हमारे ईमान को जिला बख्शता है जी जी, और ये हमारे ईमान को हुस्न देता है। वाह वाह। देखिए मैं दूसरे सिपारे के दूसरे रुकू का सहारा लेना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह। तो कुरान है भी हुदल्लिल मुत्तकीन और हमारी हिदायत के लिए आया है, तो कुरान करीम में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनू इस्तईनू बिस्सब्री वस्सला। जी जी। तो यहाँ पर देखना यह है कि मैंने जैसे पहले तज़किरा किया है कि ईमान और सब्र, अगर ईमान का हुस्न बढ़ाना है ना
जी तो फिर सब्र का होना जरूरी है। वाह वाह बेशक। बल्कि मैं ज़िमनन यहाँ पर ये बात करतूं, ईमान का हुस्न बढ़ाना जी है तो सब्र का होना जरूरी है। यहाँ पर मुझे हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला का एक कौल याद आ रहा है। आप फरमाते हैं कि सब्र का ईमान के साथ ऐसा ताल्लुक है जैसा जिस्म का ताल्लुक सर के साथ है। तो कहा अगर जिस्म के साथ सर ना हो तो इंसान नामुकम्मल है और ईमान के साथ सब्र ना हो तो ईमान नामुकम्मल है। तो इसलिए सब्र का होना बहुत ज़रूरी है ईमान के साथ। जी जी जी। तो कुरान हमें क्या रहनुमाई अता फरमा रहा है, इरशाद रबानी होता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्र वस्सला, ए ईमान वालों तुम मदद हासिल करो, इस्तानत हासिल करो बिस्सब्र और वस्सला। जी अच्छा, यहाँ पर चीज़ें दो हैं, एक ये है कि नमाज और एक सब्र है। इरशाद ये होता है कि तुम मदद हासिल करो नमाज से और सब्र से। बेशक। तो मुमकिन है कि नाज़रीन ये समझें कि भाई जब नमाज पढ़ी जाए तो तब ही सब्र ज़रूरी है। जी तो मैं इंशाल्लाह मुतसिल जो आयत है उस पर जाकर अर्ज़ करूँगा कि तब ही ज़रूरी नहीं। वाह वाह। अच्छा यहाँ पर भी नमाज का जिक्र क्यों हुआ है? जी जी जी। अगर मुतसल आयत में सिर्फ सब्र का जिक्र है तो यहाँ पर नमाज का जिक्र क्यों हुआ है? ठीक है। वो इसलिए हुआ है कि हमारे मुआशरे में जब हम बारीक बीनी से देखते हैं ना तो नमाजी नमाज पढ़ने वाला इस तरीके से नमाज पढ़ता है कि उसे खुद भी नहीं पता होता मैंने क्या पढ़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। तो इसलिए हुक्म ये हुआ कि भाई जब नमाज पढ़नी है ना तो सब्र के साथ पढ़नी है। जैसे वो मुझे ताजदार हल्लता मौला मुश्किल कुशा याद आते हैं, हजरत मौला अली सरकार ने एक शख्स को देखा वो नमाज पढ़ने के लिए आया, तो आता के साथ उसने नमाज पढ़ी और जाने लगा ना, तो जैसे ही अपनी उस नशिश से खड़ा हुआ तो देखा मौला अली सर पे खड़े, तो मौला अली सरकार ने फरमाया चल फिर से नमाज पढ़। जी अब उसने फिर से नमाज पढ़ना शुरू कर दी। ठीक है। अब जब नमाज पढ़ी तो मुकम्मल अदब आदाब के साथ और इंतहाई ठहर ठहर के बड़े सब्र के साथ नमाज पढ़ी। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इंतहाई सब्र के साथ नमाज पढ़ने के बाद जब सलाम फेरा ना तो अली पाक ने इरशाद फरमाया बता वो पहली नमाज का मजा है कि इस नमाज का मजा है? तो वो कहने लगा कि अली पाक सवाब तो इसी नमाज का आया है, लेकिन अली पाक आपकी बारगाह से ही हमने सीखा है सवाब तो इस नमाज का आया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ सवाब पहली नमाज का मिला है। काबिले गौर बात है। अच्छा। वो भी मुक्तदी भी तो मौला अली के थे ना जी, वो जी, जी। वो आज के दौर के थोड़ी थे वो कि उल्ट पढ़ना है मौलाना को, नहीं, कहा जी आपसे ही सीखा है कि सवाब पहली नमाज का था और सवाद इस नमाज का है। फरमाया वो कैसे? कहा वो मैंने अल्लाह के लिए पढ़ी थी। तो ये मैंने आपके खौफ से पढ़ी है कि आप मेरे सर पर खड़े हैं। हाँ, तो फिर मेरे ताजदार हल्लता मौला मुश्किल कुशा हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह तआला अन्हु के लब गोया हुए इरशाद फरमाया बरखुरदार मैं तुझे यही समझाना चाहता हूँ तू सवाद और सवाब को जमा क्यों नहीं कर लेता है? जहाँ पर तू सवाद लेता है सवाब ले रहा है वहां पर तू सवाद लिया कर। यहाँ पर मैं नाज़रीन से ये भी कहना चाहूंगा कि देखें हमारे मुआशरे में लोग महफिलों पर जाते हैं और उठ कर आना शुरू हो जाते हैं, भाई आप क्यों जा रहे हैं यार सवाद नहीं आ रहा, तो मैं कहना चाहूंगा यार अगर सवाद नहीं आ रहा तो सवाब भी नहीं आ रहा, आप सवाब तो लिया करें महफिल में बैठ करके, जितनी देर आप अल्लाह रसूल के जिक्र की मजलिस में बैठेंगे वो सवाब तो आता रहेगा, तो सवाद आए या ना आए ये तो बाद की बात है। यहाँ पर भी अगर बात करूँ तो सवाद असल में होता है अंदर का। देखिए ख़त्मी मरतबत अलैहिस्सलाम का दरबार दुर्रे बार है और बैठने वालों में ताजदार सदाकत है, ताजदार अदालत है और ताजदार सखावत है और ताजदार शुजात वहाँ पर तशरीफ़ फरमा है और चिरागे गोलाना क्या खूबसूरत अक्कासी की, इरशाद फरमाया उन सहाबा की खुश अतवार निगाहों को सलाम जिनका मनसब था तवाफ़ रुख ज़ेबा करना, आका चाँद की तरह तेरे गिर्द सितारों का हुजूम वो तेरा हल्का असहाब में बैठा कर। तो वो नबी पाक अलैहि सलातो सलाम तशरीफ़ फरमा है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी वहाँ पर है और इतने लोगों में अबू जहल भी तो वहीं पे आया करता था, लेकिन ये था अंदर का बेसवाद था ना तो सारी जिंदगी सवाब नहीं ले सका। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर सवाद बहुत ज्यादा, इतना सवाद था, इतना सवाद था कि घर में तशरीफ फरमा थे तो यही अबू जहल बदतीनत आ गया और कहा अगर कोई ये कहे कि मैं रातों रात आसमान सातों आसमान क्रॉस कर गया हूँ, मैंने जन्नत देखी दोजख देखी और रब का मुशाहदा करके वापस आ गया हूँ, तो ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के अंदर इतना सवाद था सहब भाई, इतना सवाद था कि इसके सिद्दीकी ने परवाज की और पहले तो इस मंजिल तक पहुंचे कि यार ये जो रातों रात इतना सफर करके और रब को मिलके वापस आ जाना ये कोई और नहीं कह सकता, ये अगर कोई कह सकता है तो मेरे यार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकते हैं जी।
तो इरशाद फरमाया अगर मुस्तफ़ा ने ये फरमाया है ना तो अबू बकर सिद्दीक के अंदर स्वाद इतना था, ये नहीं कहा कि मैं अभी सरकार से मिलता हूँ, पूछता हूँ, को दलील मांगता हूँ और फिर मैं आग से तुझसे बात करूंगा। कहा अगर मेरे सरकार ने फरमाया ना तो अबू बकर यहीं पर खड़े होकर कहता है मेरे आका ने सच फरमाया। तो सब्र और नमाज इसलिए हुक्म है कि तुमने अगर नमाज पढ़नी है ना तो सब्र के साथ पढ़नी है, ठीक है, ताकि तुम्हें सवाब तो मिलेगा, स्वाद भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये नमाज और जी जी आ जा आ जा बिल्कुल सब्र होगा ना जी, जब सब्र होगा तो फिर हम समझ सकेंगे हम क्या क्या रहे हैं, हम अल्लाह अकबर कह रहे हैं तो हम समझ सकेंगे अल्लाह अकबर क्या है। और मैं यहाँ पर एक रुक कर ये भी जुमला कहना चाहूँगा नाजरीन से, नाजरीन मैं और आप जिस तरह से नमाज़ पढ़ते हैं वो तो पढ़ी जा रही है, लेकिन मैं ये गुजारिश करूँगा किसी दिन ना सब्र के साथ आप अपने दोनों हाथ उठाइए और कानों की लो तक ये दो अंगूठे ले जा कर ना सब्र के साथ ये कहकर देखिए अल्लाह अकबर, तो फिर देखिए इसका लुत्फ कैसा है। और फिर इसी सब्र के साथ आप सना पढ़िए, इसी सब्र के साथ आप फातिहा शरीफ पढ़िए, इसी सब्र के साथ आप कोई सी सूरत मिलाइए, इसी सब्र के साथ अल्लाहु अकबर कहिए, इसी सब्र के साथ सुबहान रब्बी अल आज़ीम कहिए, इसी सब्र के साथ समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहिए। तो इसी सब्र के साथ जब आप नमाज मुकम्मल करेंगे ना तो फिर आप उस मंजिल की तरफ गामजन हो जाएंगे जिसके बारे में रब का कुरान इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह तुम्हारे साथ हो। जब इस सब्र के साथ नमाज पढ़ी जाएगी ना तो फिर अल्लाह तुम्हारे साथ होगा। अच्छा ये जो इन्नल्लाह मअस साबिरीन है इसमें अल्लाह करीम ने ये नहीं फरमाया कि मैं नमाजियों के साथ, हुक्म दिया है कि नमाज और सब्र से मदद मांगनी है जी जी। लेकिन ये नहीं फरमाया मैं सिर्फ नमाजियों के साथ, फरमाया नहीं मैं सब्र करने वालों के साथ। वो सब्र करने वाला चाहे नमाज पढ़ते हुए सब्र कर ले, अपने लेन देन के मामले में वो सब्र कर ले जी। किसी से किसी मामले में वो सब्र कर ले या रोज़मर्रा के मामलात में वो सब्र कर ले किसी भी हवाला से जी, दुकान जी, दुकान पे जाते हैं, मैंने और आपने देखा होगा कि तीन ग्राहक पहले खड़े होते हैं चौथा आता है तो वो सबसे बुलंद आवाज़ में कहता है पाजरा मिनट और दी पहले, पहले तो जो इस मुकाम पर भी सब्र करेगा ना फरमाया इन्नल्लाहुम्म साबिरीन मैं तो उसके साथ हूँ, मैं तो उसके साथ हूँ। इसी तरह कोई लेन देन का मामला है तो किसी से मैंने लेना और देना है तो उस पर देखना है कि भाई वो तलब जो किया जा रहा है, जो अपना मुद्दा मांगा जा रहा है तो उसमें कितनी जल्दबाजी की जाती है, अगर इसमें भी जल्दबाजी से काम नहीं लिया जा रहा और सब्र से काम लिया जा रहा है तो अल्लाह हमें कुरान शरीफ में हौसला दे रहा है मैं तेरे साथ। यानी काफी ऐसे काम है जिनमें सब्र का काम जरूरी है। मैंने पहले अर्ज किया कि ईमान, ईमान जो है ना जी इसको अगर आपने निखार बख्शना है तो सब्र को ले आए। वो हजरत इमाम जाफर सादिक रदिल्लाहु अन्हु को कौल ज़हन में रखे ना जी, अगर जैसे जिस्म के साथ सर है ना इसी तरह ईमान के साथ सब्र है, और जैसे सर ना हो तो इंसान नहीं है, सब्र ना हो तो ईमान नहीं है। अच्छा देखे इन्नल्लाह मअस साबिरीन फरमाया मैं साबरों के साथ, अल्लाह साबरों के साथ। अच्छा इसको मजीद हम इसी रुकू को पढ़ते हैं, इरशाद रबानी होता है वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिल्ला तशुरून, फरमाया जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाए उन्हें तुम मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं, तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं, शऊर नहीं। अच्छा इससे आगे और बढ़ना है, फरमाया वला नबलुअन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात। अब अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के सदके हम पर इतना मेहरबान है, हम पर इतना करम फरमा है कि उसने चंद चीज़ों का इजहार भी फरमा दिया कुरान करीम में कि देखो हम ये इम्तिहान तुम पर वारद करेंगे और फिर देखेंगे कौन इन इम्तिहान में से पास होता है, कामयाब होता है, काम होता है। उसमें ये देखना है इरशाद होता है वाला नबलुअन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, पहली चीज़ है अल्लाह करीम पहला इम्तिहान हम पर जो वारद करेगा वो ये है खौफ, किसी चीज़ का खौफ होगा, बिशैइन मिनल खौफ वल जू हमारे खानों में कमी होगी, वनक्सिम मिनल अमवाल हमारे मालों में कमी होगी, वनक्सिम वल अनफुस हमारी जानों में कमी होगी, वह समरात हमारे फलों में कमी होगी। ये पांच इम्तिहानात अल्लाह करीम ने हाईलाइट फरमा दिए कुरान करीम में, फरमाया किसी चीज़ का खौफ देंगे तुम्हारे खाने में कमी करेंगे, तुम्हारे माल में कमी करेंगे और तुम्हारे नफ्सों में कमी करेंगे और तुम्हारे फलों में कमी करेंगे। फरमाया ये हम करेंगे, आगे क्या है फरमाया वबशिर साबिरीन खुशखबरी उन्हें देंगे जो सब्र करने वाले हों, उनके लिए बसारत है, उनके लिए खुशखबरी है। अभी जो आप फरमा रहे थे कि कितने ही मरहले ऐसे हैं जिनमें हमने सब्र करना है तो अल्लाह हम पर इतना मेहरबान है, कुछ मरहले तो उसने इरशाद फरमा दिए, कहा तुम पर माल की कमी आएगी सब्र करना, बेसब्रे ना हो जाना, तुम पर किसी चीज़ का खौफ आएगा बेसब्रे ना हो जाना सब्र करना, बहुत अच्छे। फिर फरमाया तुम्हारे अजीज़ो अकरबा जो हैं वो उनमें से किसी ना किसी को हम अपने पास ले जाएंगे, तुम सब्र करना, और फरमाया हम तुम्हारे माल में कमी करेंगे तुम सब्र करना,
फिर इरशाद फरमाया हम तुम्हारे फलों में कमी कर देंगे, बेसब्रे ना होना, वबशिरिस साबिरीन, क्योंकि हमने बशारतें और खुशखबरियाँ रखी ही साबरों के लिए। बहुत अच्छे। अच्छा, मजीद इरशाद होता है क्योंकि मजमून है सब्र और शुक्र। आगे शुक्र की तरफ भी हमें गामजन किया जा रहा है। इरशाद बारी ताला होता है अल्लाज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, और वो लोग जब उन पर कोई मुसीबत आती है, कालू, वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक वो क्या कहते हैं, हम उसी की तरफ से आए थे और उसी की तरफ लौटना है। ये शुक्र की कैफियत बयान हो रही है। पहले जब मुसीबत आए तो वो सब्र किए बैठे रहते हैं, और शुक्र करने की कैफियत ये होगी वो कह देते हैं अच्छा अल्लाह तेरे की तरफ से आए से और तेरी तरफ ही हमने जाना है। माशाल्लाह। इरशाद रब्बानी होता है कि जो ये लोग हैं ना, जो मुसीबत आने पर सब्र भी करते हैं और फिर शुक्र भी करते हैं, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह करीम अपनी शान के लायक उन पर अपनी रहमतों और अपनी बरकतों और अपने फजल का नुज़ूल फरमाता है। फरमाया व उलाइका हुमुल मुहतदून, अल्लाह ने हिदायत इन्हीं का मुकद्दर फरमाई। तो सब्र और शुक्र एक ऐसा वसी मजमून है और ऐसा खूबसूरत मजमून है और ऐसा प्यारा मजमून है कि अगर हम अपनी जिंदगियों में से सब्र निकाल दें और शुक्र निकाल दें तो यकीन जानिए आज जिन मरहलों में से हम गुजर रहे हैं ना, ये मरहले हम पर वारद ही इसलिए हुए हैं, हम बेसब्रे हो चुके हैं, हम ना शुक्रे हो चुके हैं। क्या कहने हमारे उन लोगों के कि जिन्होंने सब्र किया, जिन्होंने शुक्र किया और सब्र करने की भी हद कर दी, शुक्र करने की भी हद कर दी, क्योंकि कुरान और हदीस के मुतल्लक आपने फरमाया है कि आगाही फराहम की जाए। मुझे इस मौके पर एक हदीस शरीफ याद आ रही है। जी जी। हदीस शरीफ से पहले मुझे काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मज़हबी में उन्होंने इन्नल्लाह मसाबरीन का जो मायत है ना, इसको बयान किया। तफसीर मज़हबी में काजी सनाउल्लाह पानीपति फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह ने फरमाया ना इन्नल्लाह मसाबरीन, जी, कि अल्लाह साबरों के साथ है। काजी साहब फरमाते हैं कि वो जो अल्लाह साबरों के साथ है ना, अल्लाह के साबरों के साथ होने को लफ्ज़ों में बयान ही नहीं किया जा सकता, बयान ही नहीं किया जा सकता कि अल्लाह साबरों के साथ किस दर्जे में है। ठीक है। इस मौके पर ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल भी आप सुने। हजरत ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि किसी बंदे को कनात और फ़क्र व गना मिल जाए और इस फ़िक्र व गना के साथ अगर उस बंदे को सब्र की दौलत भी अता हो जाए ना, तो ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं, मौला अली सरकार के खलीफा हैं, हाँ मुरीद हैं, वो फरमाते हैं फ़िक्र व गना के साथ अगर किसी को सब्र की दौलत भी मिल जाए तो फरमाते हैं मैं नहीं समझ सकता हूँ अल्लाह क़यामत के दिन उस बंदे को कितना मकाम और मरतबा अता फरमाए। ये एक सब्र अगर अल्लाह अता कर दे, अल्लाह ये ऐसा सब्र हमारे ईमान को जिला बख्शेगा। हदीस शरीफ मेरे जहन में आ रही है, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम जब ग़ज़वा उहद से वापस तशरीफ़ लाए ना, तो हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को नबी करीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि अली पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु आपके चेहरे पर परेशानी के आसार हैं और चेहरा बड़ा गमगीन है, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अली ये परेशानी की वजह क्या है, आज बड़े मगमूम दिखाई दे रहे हैं। तो अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज कुफर और हक़ की जंग थी और बड़ी अलगार हुई, काफ़र भी जहन्नम रसीद हुए और कुछ मेरे दीनी भाई ऐसे थे कि जो मनसबे शहादत पर फायज़ हो गए हैं, तो है। मैं मुझे इस बात का गम है कि मैं भी मनसबे शहादत तक चला जाता उनके साथ, क्योंकि इस ग़ज़वा उहद में हज़रत हमज़ा जैसे जलील कदर और जवां मर्द हज़रात, हज़रत मौसम बिन उमैर रदी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जवां हिम्मत लोग जो है वो मनसबे शहादत पर फायज़ हुए। तो जब अली पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की ये ख्वाहिश, ये तमन्ना नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सुनी, मुत्तसिल इरशाद फरमाया अली तू गम ना कर, परेशान ना हो, अनकरीब वो वक्त आने वाला है कि जिस वक्त में मैं देख रहा हूँ कि तेरी पेशानी से लेकर तेरी दाढ़ी शरीफ को खून के अंदर रंग दिया जाए। बात हो रही है सब्र और शुक्र की, देखना है कि हम किस कदर बेशुक्रे हैं और बेसब्रे हैं और वो लोग कितने सब्र वाले थे और किस कदर वो शुक्र करने वाले थे। इरशाद रिसालत माब ये होता है कि अनकरीब कुछ लोग, मैं देख रहा हूँ कि तेरी पेशानी से तेरी दाढ़ी को खून से रंग दिया जाएगा। मौला अली सरकार रदी अल्लाह ताला उन्होंने ये समात फरमाया। अच्छा, मुत्तसिल ही नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अली जब ये वक्त तुझ पर वारद होना तो अली उस लम्हे में सब्र करना, सब्र का दामन ना छोड़ना। अब अली पाक क्या अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये बात है कि मुझ पर ये मनसब शहादत और ये शहादत का जाम मेरी तरफ आ रहा है और वो वक्त करीब है कि जब मैंने इस जाम को नोश करना है, तो या रसूलल्लाह मैं आपकी मौजूदगी में ये अर्ज़ करता हूँ कि मैं सब्र भी करूँगा और शहादत जैसे अजीम मनसब के मिलने पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करूँगा, मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा करूँगा।
अच्छा, इसमें दो बातें जो हैं वो हमारे सीखने के लिए हैं। पहली बात यह है कि हुजूर खत्मी मर्तबत अलैहिस्सलाम की निगाह नबूवत और रिसालत में सब्र की अहमियत किस कदर बुलंद है कि अली पाक रदी अल्लाह तआला को जहाँ पर ये इरशाद फरमाया कि अली तुझे शहादत का मनसब अता किया जाएगा और जब तेरी शहादत हो उस वक्त सब्र करना, तो निगाह नबूवत में सब्र की इतनी अहमियत है कि तुम्हारी जान भी जाती हो तो फिर भी सब्र करना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अच्छा, ये तो अली पाक थे ना, तो इसके साथ हज़रत अली पाक रदी अल्लाह के लख्ते जिगर नूर नज़र हज़रत सैदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला, जब आपके शहादत की खबर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अता फरमाई तो उस वक्त भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो दुआ फरमाई वो भी यही थी, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रम व अजरा, ऐ मेरे अल्लाह जब मेरे हुसैन को शहादत का जाम मिल रहा हो ना अल्लाह उस वक्त मेरे हुसैन को सब्र भी अता करना, उस सब्र पर अजर भी अता करना। तो इसमें अर्ज़ ये करना चाहता हूँ नाज़रीन से कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का अली पाक को ये फरमाना कि अली उस वक्त में सब्र का दामन ना छोड़ना, वो इस बात की तरफ हमें रागब कर रहा है कि सरकार करीम अलैहिस्सलाम की निगाह में भी सब्र की अहमियत बड़ी है। भाई क्यों ना हो, हमारे आका व मौला व मलजा मावा वो है, जब ताइफ में गए और तौहीद बारी ताला का ऐलान किया तो जुल्म करने वालों ने इतना जुल्म किया कि खून मुबारक जो है वो कदमों तक आ गया। हाँ जी, तो उस मौके पर मलाइका उतरे और आके अर्ज़ किया, आका अगर आप हुक्म फरमाएं तो हम इनको नेस्त व नबूद फरमा देते हैं। तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं इस दहर में कहर व गज़ब बनकर नहीं आया, मैं तो रहमत बनकर आया हूँ। फरमाया मैं तो सब्र करूँगा। हाँ जी, ऐसा सब्र किया, ऐसा सब्र किया। फरमाया मैं देख रहा हूँ कि इन्हीं के अंदर में से लोग ऐसे पैदा करेगा अल्लाह कि जो दीन पर अपनी जानों को लुटाने वाले हों। पलटते हैं उस तरफ, अली पाक ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैं सब्र भी करूँगा और शहादत के मिल मनसब के मिलने पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करूँगा। सरकारे आलम इस्लाम की निगाह में सब्र की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि ऐसे नाजुक वक्त पर भी फरमाया जा रहा है कि सब्र करना। और फिर अली पाक रदी अल्लाह तआला के शुक्र को देखे जरा जी। हमारा मेयार ये है कि जब हम अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह मुझे दौलत दे, हालांकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया हम दौलत में कमी करेंगे और देखेंगे तू सब्र करता है कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जब माल में कमी होती है हम बेसब्रे हो जाते हैं और नाशुक्रे हो जाते हैं। हम लोगों से कहते फिरते लो अल्लाह दे देता तो की सी उदा की जाना सी। है जी, फिर अल्लाह फरमाता है हम तुम्हारे फलों में कमी करेंगे। तो हमारी नाशुक्री और बेसब्री का ये आलम है, लाओ की जाना सी उस रब का, वो जिथे इन्ना काफरां नूं देंदा है सानू भी दे छड़दा। तो ये सारे नाशुक्री और बेसब्री के जुमले हैं। हमारी वो चीज़ है जो हम मांगे तो ना मिले और कुफर तक ले जाने तक। जी हाँ, ये कुफरी कलमात है, ये कुफरी कलमात है। तो हम अपनी मर्जी के जो मुतालबात हैं वो पूरे ना हों तो बेसब्रे हैं और नाशुक्रे हैं, ठीक है। लेकिन इधर देखें अली पाक रदी अल्लाह तआला किस मकाम पर शुक्र कर रहे हैं। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब्र होता है मुसीबत के आने पर और आका शुक्र होता है नेमत के मिलने पर। माशाल्लाह, हम ये समझते हैं कि नेमत का मिलना माल है, नेमत का मिल जाना औलाद है, नेमत का मिल जाना फल फ्रूट है, नेमत का मिल जाना ये है कि ज़्यादा माल हो, ज़्यादा अहबाब हो, ज़्यादा आल औलाद हो, ये हम समझते हैं नेमत है। लेकिन अली पाक की नज़र में नेमत क्या है? अर्ज़ किया, आका मुसीबत पर तो सब्र किया जाता है और नेमत के मिलने पर शुक्र किया जाता है। या रसूल अल्लाह, जो नेमत शहादत की सूरत में अल्लाह मुझे अता फरमाएगा ना आका, आप गवाह रहिएगा, मैं उस पर अभी से शुक्र अदा करता हूँ। मैं उस मनसबे शहादत के मिलने पर, इसको भी नेमत फरमाया अली पाक ने कि ये भी नेमत है। हम तो दुनिया के माल असबाब मांगते हैं लेकिन अली पाक की नज़र में ये शहादत जो थी ना, ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत थी, बहुत बड़ी नेमत थी। तो कहा, या रसूलल्लाह मैं इस पर भी सब्र करूँगा, मैं इस पर भी सब्र करूँगा। कुरान और हदीस के बीसियों मकामात ऐसे हैं कि जिन पर गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन चूंकि एक वक्त होता है महदूद वक्त, और फिर यह है कि सब्र और शुक्र का मौजू चला हुआ है, तो मुझे सब्र से काम लेते हुए अपने बकिया अहबाब का भी ख्याल रखना होगा, तो इसलिए मज़ीद इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया, यकीनन बहुत प्यारी गुफ्तगू। नाज़रीन एक कलाम शामिल करते हैं, उसी के साथ मुख्तसर सी कमर्शल ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाज़िर होंगे और इंशाल्लाह बकिया सवाल। और अदनान अहमद गोल्डवी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, भाई मोहम्मद ताहा कादरी साहब आप भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं, तशरीफ़ फरमाए। जनाब मोहम्मद नबील अहमद गोल्डवी साहब माशाल्लाह ताजदार गोल्डा के फैजान से फैज लिए हुए हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाए। जी नबील भाई, कौन सा कलाम पेश फरमाएंगे? जी मैं ताजदार गोलड़ा पीर सैयद। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम जी।
शहर सांगला हिल में बच्चों की शॉपिंग का बेहतरीन मरकज ABC। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी सर। भाई मुझे न्यू बॉर्न बेबी हुआ है तो कब तक दिखाऊं? जी सर अभी दिखा दूं। मुझे दिखाओ। हमारे यहाँ न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 10 साल के बच्चों के लिए गारमेंट्स की तमाम वैरायटी मौजूद है। और मुझे 2 साल की भतीजे के लिए कपड़े भी दिखाएं। जी इनसे ये सिलेक्शन लगी है 2 साल की, अभी तक सिलेक्शन जा सकते हैं। अब आप अपनी पसंद का इंतखाब बजाते खुद भी कर सकते हैं।
बीबी जन्ना स्टोर की तमाम वैरायटी भी हमारे पास मौजूद है। जाके देख लो बेटा, हम छोटे बच्चे भी बिला झिझक अपनी मन पसंद वालदैन के साथ और अकेले भी कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड बिल मुनासिब दाम फिक्स रेट के साथ, हमारा ये है पैगाम जी। अगर आप कोई चीज इसमें घर वालों को पसंद आए, वापस भी हो जाएगी, चेंज भी हो जाएगी, पेमेंट भी मिल सकती है, चेंज भी हो जाएगी, आप आ सकते हैं। रेलवे गली नंबर 3 सांगला हिल जिला ननकाना साहब, मोबाइल नंबर 0300-7212-658। मैट्रिक के बाद और गर्मियों की छुट्टियों में फारक क्यों, आइए कंप्यूटर सीखिए। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज, प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए, प्रैक्टिकल हमारी पहचान, स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी राइट, इंटरनेट की क्लासेस, दाखिला जारी है। ब्राइट HD फ्लेक्स डिजाइनिंग प्रिंटिंग शादी कार्ड इश्तहारात, HD फ्लेक्स स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए, और घर की दीवारों पर खूबसूरत दीदाजेब वॉलपेपर लगवाने के लिए तशरीफ लाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव सैफुर रहमान 0321-669-6980, मोहम्मद अमानुल हक 0321-361-3233, मोहम्मद एहसानुल हक 0300-438-9180। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, कमेटी बाजार सांगला हिल। खिदमत इंसानियत हमारा मंशूर, मदनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भलेर रोड मोहल्ला श्रीपुरा सांगला हिल। हमारा मकसद इंसानियत की खिदमत और उनमें खुशियां बांटना है, मुस्तहिक लोगों की बाइज्जत तरीके से खिदमत करना। मदनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का खिदमत इंसानियत में एक और कदम, मदनी एजुकेशन सिस्टम भलेर रोड मोहल्ला श्रीपुरा सांगला हिल। बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम देना ताकि इस्लामी तरीके से मुआशरे की तकमील हो। आओ अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए, मुआशरे में खुशियां बांटने के लिए हमारा साथ दो। इंतज़ामिया मोहम्मद हफीज़, अतीक आवान, राना एहसान, काशिफ जट। सांगला हिल में प्रोफेशनल सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम का सबसे पुराना और पहला नाम GR सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम, रेलवे रोड नज कमेटी चौक सांगला हिल। सिक्योरिटी कैमरा मोबाइल ऑनलाइन के साथ इंस्टॉल करवाने के लिए रابطہ करें। कंप्यूटर्स और कंप्यूटर्स लैब इंस्टॉलेशन और रिपेयरिंग करवाने के लिए रابطہ करें। सस्ता और तेज तरीन फाइबर इंटरनेट, अनलिमिटेड डाउनलोडिंग और अपलोडिंग, फौरी कंप्लेंट सर्विस, मुकम्मल फाइबर टू होम कनेक्शन लगवाएं। GR सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम एंड फाइबर इंटरनेट, रेलवे रोड नज कमेटी चौक सांगला हिल। ऑफिस राबता नंबर 0305-999-9040-0344-71-6000-9, मोहम्मद ताहिर रसूल मुगल, मोहम्मद अवैस मुगल, मोहम्मद जुबैर मुगल, मोहम्मद। वेलकम बैक नाज़रीन, उम्मीद वासिक है कि यकीनन आपको आज की ट्रांसमिशन बहुत ही पसंद आ रही है, और गुफ्तगू के साथ साथ किबला भाई मोहम्मद नबील गोलड़वी साहब ने बहुत प्यारा कलाम, यकीनन कलाम नसीर पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह, बहुत प्यारा कलाम पेश फरमाया। दुआ है अल्लाह इनको इल्म व अमल आवाज़ व अंदाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। आइए गुफ्तगू सब्र शुक्र के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है, और मैं चाहता हूँ इसी हवाले से इंशाअल्लाह हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू करें। मौलाना देखें, अहले बैते अतहार है, सहाबा किराम है, औलिया किराम है। मैं चाहता हूँ ये सहाबा किराम औलिया किराम बाद में हम गुफ्तगू डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। मैं चाहता हूँ अहले बैते अतहार जो हैं उनकी ज़िंदगियों से सब्र और शुक्र के हवाले से जो हमें पैगाम मिलता है उसके हवाले से क्या फरमाएँगे। सबसे पहले तो ये देखना है कि अहले बैत था इनका ताल्लुक किस घराने से है। जी माशाल्लाह। तो जब हम ये देखेंगे तो हमें एक घर में ऐसा मिलेगा
कि जो इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, और खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इन्हें अपनी चादर मुबारक के नीचे लेकर बैठाया, ये मेरी अहले बैत है माशाल्लाह। तो जब हम ये देखते हैं ना, तो फिर पहले हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखना होगा। जी जी। कि खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए मस्जिद नबी में, देखा कि सहाबा इकराम बैठ करके ये जिक्र कर रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बड़ा मकाम अता फ़रमाया, वो अबुल बशर हैं। दूसरे सहाबा ने कहा ये कि हज़रत इब्राहिम को अल्लाह ने खलीलुल्लाह का मनसब अता फ़रमाया। किसी ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बात की, किसी ने हज़रत यकूब, तो मुख्तलिफ़ अम्बिया का जिक्र कर रहे थे। तो करीम आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए, तो इरशाद फरमाया सहाबा क्या गुफ्तगू हो रही है? तो अर्ज़ किया या रसूल, हम अम्बिया इकराम के अहवाल बयान कर रहे हैं और उनकी अज़मत व शान पर गुफ्तगू कर रहे हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुछ मुझे भी सुनाओ। जी जी। अम्बिया का जो जिक्र कर रहे हो तो कुछ मुझे भी सुनाओ। यहाँ से एक बात जो है ना, वो हमारे सीखने के लिए ये है कि अम्बिया का जिक्र सुनना खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। फरमाया वो ज़रा मुझे जिक्र सुनाया जाए। तो जिक्र सुनाया गया कि या रसूल, हम ये जिक्र कर रहे थे कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बड़ा मुकाम दिया, उन्हें अबुल बशर बनाया, हज़रत इब्राहिम को बड़ा मकाम दिया, उन्हें खलीलुल्लाह का लकब अता फरमाया, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह का लकब अता फरमाया, हज़रत मूसा को कलीमुल्लाह फरमाया, हज़रत ईसा को रूहुल्लाह का मनसब दिया। तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने मुत्तसली इरशाद फरमाया सहाबा, इसमें दो राय कोई नहीं कि आदम सफ़ीउल्लाह हुए हैं, नूह नजीउल्लाह हुए हैं, मूसा कलीमुल्लाह हुए हैं, और फरमाया ईसा रूहुल्लाह हुए हैं। फरमाया अना मोहम्मद अना हबीबुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का हबीब बन के आया हूँ। और मुत्तसल क्या फरमाया? फरमाया वला फखरा, मैं इस पर फख्र नहीं करता। क्या करता हूँ? फरमाया मैं इस पर शुक्र अदा करता हूँ। हाँ, मैं इस पर शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि शुक्र से चीज जो है ना वो बढ़ती है, वो कम नहीं होती। असल इसी शुक्र को जब हम देखते हैं सईदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा की जुबान से, कि वो भी सहाबिया हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की, तो वो फरमाती हैं शब बरात की रात है तो मैंने देखा करीम आका अलैहिस्सलाम बिस्तर पर तशरीफ़ फरमा नहीं, तो मैं करीम आका अलैहिस्सलाम को ढूंढते ढूंढते जब गई तो देखा कि कब्रिस्तान की एक साइड पर नबी पाक अलैहिस्सलाम सर सजदे में रखे हुए हैं। और इतना तवील सजदा होता है, इतना तवील सजदा होता है कि मुझे ये ख्याल गुजरता है कि कहीं रूह मुबारक जो है वो परवाज़ न कर गई हो। तो फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक पर अपना हाथ रखा तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने जुम्बश फरमाई, सर सजदे से उठाया, मैंने अर्जी पेश की या रसूल इस कदर तवील सजदा, तो इरशाद रिसालत माब होता है आयशा, क्या मैं उस रब का शुक्र अदा ना करूं जिस रब ने मुझे नबियों की भी सरदारी अता फरमा दी हुई है, रसूलों की भी सरदारी अता फरमा दी हुई है, क्या मैं उस रब का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं कि जिस रब ने उतीतु मफातिहा खजाइनिल अर्द, मुझे कायनात के हर खजाने की चाबियां मुझे अता फरमा दी हुई है। और इरशाद मैं महबूब ऐलान कर दे इन्ना माना कासिमुन वल्लाहु युती, अल्लाह मुझे अता फरमाता है और मैं तकसीम करता हूँ, और उस रब का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊँ जिस रब ने मेरे लिए कुरान में फरमा दिया इन्ना आती ना कल कौसर, महबूब वहदत मेरे लिए है और कसरत सारी तेरे लिए, मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूँ। और जब इस तरबियत के गहवारे में अली पाक को तरबियत मिली होगी, क्योंकि अली पाक की तरबियत तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाई है, और फिर सैयदा जहरा पाक सलामुल्लाह अलैहा व रदियल्लाहु ताला अन्हा, वो भी इसी घर के चश्मो चराग है, और फिर इस घर में पैदा होने वाले हजरत इमाम हसन व हुसैन रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और अलैहिमुस्सलाम, जब इनकी जिंदगियों को देखते हैं तो हमें जो इनके ईमान का सेहरा चीज़ें नज़र आती हैं ना, वो ये दो चीज़ें हैं, एक सब्र है और एक शुक्र। वाह 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 वाह। मैंने पहली गुफ्तगू में ये अर्ज़ किया कि नमाज अगर पढ़नी है तो सब्र के साथ पढ़ी जाए। जी जी। तो आइए इस तनाजुर में हज़रत सैयदा पाक को देखते हैं। जी। तो सैयदा ज़हरा पाक का ये वाक़या किस साहब ईमान से पोशीदा है कि सैयदा ज़हरा पाक ने सर सजदे में रखा तो उधर से मस्जिद नबी में हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अजान की आवाज़ बुलंद की, तो फजर की अजान जैसे ही बुलंद हुई तो सैयदा ज़हरा पाक ने सर उठाया, अर्ज की परवरदिगार मेरा सजदा तवील हो गया है या तेरी रातें छोटी हो गई, कि ज़हरा तो जी भर के सजदा भी नहीं कर सकी। तो ये था वो सब्र और नमाज का ताल्लुक। और फिर सैयदा ज़हरा पाक रदी अल्लाह तआला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा जब हजरत हसन पाक पैदा हुए या हुसैन पाक पैदा हुए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो शहादत की खबर अता फरमा दी कि ये मेरा बेटा जो है वो दश्ते करबला में जुल्मन शहीद किया जाएगा। तो सैयदा ज़हरा पाक ने वावेला तो नहीं किया, आहो फुगां तो नहीं किया, तो सैयदा ज़हरा पाक रदी अल्लाह ताला उन्होंने क्या किया है? हाथ उठाए हैं तो एक ही दुआ की है, अल्लाह जो मेरे अब्बा जी हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने दुआ की ने कि मेरे बेटे हुसैन को मैदान करबला में सब्र भी देना, उस पर अजर भी
अता फरमाना। अल्लाह मैं ज़हरा भी तेरी बारगाह में यही दुआ करती हूँ, मेरे बेटे को दश्ते करबला में सुरखुरी अता फरमाना, सब्र भी अता करना और उस पर अजर भी अता फरमाना। और फिर जो मौला अली सरकार रदी अल्लाह ताला उन्होंने अपने वक्त अखीर पर जो सब्र किया और जो अल्लाह का शुक्र अदा किया वो कैसा है, उसको भी ज़रा मुलाहजा फरमाएँ कि जब नमाज फजर के लिए अली पाक रदी अल्लाह ताला उन्होंने मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो वो इब्ने मुलजम वो बदबख्त लानती वो दरवाजे के पीछे खड़ा था ना, अल्लाहु अकबर क्या अजीमत अल्लाह करीम ने अली पाक को अदा की थी कि किसी बंदे को ये जुर्रत नहीं थी कि अली पाक के सामने आके मुकाबला करे, सामने आके मुकाबला करने की, इसीलिए वो बदबख्त दरवाजे के पीछे छुपा रहा कि अली पाक आएंगे तो मैं पीछे से वार करूंगा। अब उसने पीछे से वार किया, वार किया तो अली पाक के सर मुबारक में वो वार लगा, क्योंकि ज़ुबान रिसालत से निकला था अली अनकरीब वो वक्त आने वाला है कि तेरी पेशानी को और तेरी दाढ़ी को खून से रंगीन कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, जब तलवार लगी अली पाक का पेशानी से खून चला और सारी की सारी दाढ़ी शरीफ जो है वो खून से रंगीन हो गई। अली पाक ज़मीन पर तशरीफ लाए, लोगों ने उसे पकड़ा, अली पाक ने क्या इरशाद फरमाया, देखना है सब्र और शुक्र कैसा है। अली पाक ने इरशाद फरमाया भाई इसको रहने दो, अगर मैं इससे शिफा याब हो गया इस हादसे से तो इसका फ़ैसला मैं खुद करूँगा, ठीक है इसका फ़ैसला मैं खुद करूँगा। और दूसरा अली पाक रदी अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, फरमाया अच्छा अगर तूने इन्हें वाकया ही सज़ा देनी है, इसको अगर आप लोगों ने वाकया ही सज़ा देनी है तो फरमाया एक ही बार में इसे कत्ल करना, इसे ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। देखना ही है कि उनका सब्र किस दर्जे का है और उनका शुक्र करना किस दर्जे में है। फरमाया एक ही बार में इसे कत्ल कर देना, इसे ज़्यादा तकलीफ़ ना दो, इसे ज़्यादा अजियत नहीं होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसी तनाजर में हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हों को देखते हैं कि उन्होंने सब्र कैसा किया और शुक्र कैसा किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब आपका जिस बंदे ने आपको जहर दिया हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हों, तो पूछने वालों ने पूछा कि आप उसका नाम ही इरशाद फरमा दें, तो इरशाद फरमाया नहीं मुझे नहीं पता वो किसने दिया है, अगर मुझे पता भी है तो मैं अपनी ज़ात के लिए उससे बदला नहीं लूँगा, मैं अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए रहने दूँगा, है जी। और फरमाया अगर मैंने किसी का नाम ले दिया तो ये ऐसे ही किसी पर तोहमत हो जाएगी, हसन ये पसंद नहीं करेगा कि किसी को ना हक जो है वो कत्ल करवा दिया जाए। तो ये सब्र और शुक्र इस घराने का वतीरा रहा है। इसी तरह हुसैन पाक को देखे दश्ते करबला में, जब क्या होता है कि 18 साल के हजरत अली अकबर भी कुर्बान हो जाते हैं और जुबान पर जो है वो शिकवा नहीं आता, जुबान पर बिल्कुल कोई बात नहीं आती कि अल्लाह ये 18 साल का, हाँ अल्लाह की रजा पर ऐसे सब्र और शुक्र देखना है वो कैसा हो रहा है। 18 साल का नौजवान जाता है फिर सब्र होता है, और हज़रत अली असगर 6 माह के होने के बावजूद हाथों पर उठा लिए जाते हैं और मैदान कारजार में लाकर खड़ा हो जाते, लाकर खड़े होते हैं हुसैन पाक और इरशाद फरमाते हैं मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं मांगता हूँ, बच्चों के लिए इसलिए है कि ये तो मेहरबानी तो कायनात में रहने वाले बड़े बड़े इंसान रहमदिल हो जाते हैं, बच्चों का कसूर भी क्या होता है, जी जी बच्चों का कसूर भी क्या होता है। और फिर हज़रत अली असगर रदी अल्लाह ताला अनहो को औरफा ने बड़ी अच्छी यहाँ पर एक हिकमत बयान फरमाई है, मैं चाहता हूँ मैं नाजरीन के सुपुर कर दूँ। बिस्मिल्लाह। कहते हैं कि हज़रत अली असगर रदी अल्लाह ताला अन्हु दश्ते करबला में ज़मीन पर नहीं लिटाए गए, 6 माह के बच्चे थे तो ज़मीन पर क्या होता था, कभी तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उन्हें अपनी गोद में लेती थी, कभी उन्हें हज़रत अली अकबर गोद में ले लेते थे, कभी हुसैन पाक गोद में ले लेते थे, कुंबे अहले बैत के अफराद जो फ़र्दन फ़र्दन अपनी गोद में ले लेते, और जब मैदान कारजार की तरफ हुसैन पाक गए हैं तो फिर भी उन्हें अपनी गोद में उठा करके, ये ज़मीन पर अली असगर सरकार को क्यों नहीं लिटाया गया। इसलिए और अफा लिखते हैं कि अगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर लेटे तो एड़ियाँ रगड़ी तो जम जम जारी हो गया, अगर हज़रत अली असगर भी ज़मीन पर लिटाए जाते तो ऐसा जम जम जारी होता कि क़यामत के दिन तक भी हमें प्यास ना लगती, उसे पीने वालों को क़यामत के दिन तक भी प्यास ना लगती। तो ये हज़रत अली असगर रदी अल्लाह तआला को उठा करके यूँ करके मैदान कारजार में जब इमाम पाक तशरीफ लाए तो किसी बदबख्त लईन ने हुरमल ने तीर मारा तो वो ऐसा पेवस्त हुआ कि वो इमाम पाक की ये बाजू के नीचे से दूसरी तरफ जाके निकल गया और अली पाक अली असगर पाक की गर्दन में पेवस्त हुआ और हुसैन पाक के बाजू के से गुजरता हुआ पीछे से निकल गया। इस नाजुक मरहले में भी 6 माह का बच्चा है, हमारे यहाँ जो माहौल होता है उसको भी मद्दनज़र रखना है, और जो दश्ते करबला में इतनी खून रेजी के बावजूद भूखे रह कर भी प्यासे रह कर भी कुरान शरीफ की उस आयत को मद्दनज़र रखे ना, वाला नबल वनकुम बिशई मिनल खौफ वल जू वनकसी मिनल अम्वाल वल अनफुस वस समरात, तो मैदान करबला में
बयाक वक्त अल्लाह करीम ने ये पांचों के पांचों इम्तिहान हुसैन पर वारद कर दिए। हमें बयाक वक्त पांच इम्तिहानों से गुजरना नहीं पड़ता। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखना है, गुजरने वाले के पास हो सकता है माल की कमी हो लेकिन फिर भी वो खा के सोता है। हाँ जी, वक्त गुजारने वाले के पास मैंने देखा है, उसके बाद औलाद की तो फरावानी होती, हो सकता है माल की कमी हो। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि किसी के पास फल की कमी है लेकिन उसके पास आल औलाद काफ़ी है, उसके बाद माल इसबाब ज़्यादा है लेकिन फल लेने के लिए अल्लाह ने उसे इसबाब नहीं फराहम किए। लेकिन दश्ते करबला में क्या हो रहा है, अहले बैत अतहार का सब्र कैसा है और फिर शुक्र कैसा है। अल्लाह अकबर कबीरा, जब भी कोई लाश खैमे में आती है तो वो पाक ज़ादियाँ वो वावेला नहीं करती, रोती नहीं है बल्कि सर सजदे में रख के कहती हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह अगर तू ऐसे राजी है तो हम भी ऐसे राजी हैं। ये शुक्र है। और सब्र ये था कि मुसीबत को देखकर वो खामोश रहीं और देखती रहीं और बस खामोश रहीं। और शुक्र ये था कि अल्लाह हम तेरी तरफ ही से ही आए हैं और तेरी तरफ से चले जाना है। हुसैन पाक ने जब अली असगर रदी अल्लाह तआला के सीने से तीर निकाला, अल्लाहु अकबर कबीरा, यहाँ पर एक लाश हो तो सफ़े मातम जो बिछता है हमसे पोशीदा नहीं है। और उधर तो 72 लाशें इमाम पाक ने अपने दस्ते मुबारक पर उठाए और ला करके अपने खैमे में रखे, और जब खैमे में रखते थे तो हुसैन पाक आसमान की तरफ अपना रुख करके कहते थे ए अल्लाह मैं तुझ पे राजी हूँ, मैं तुझ पे राजी हूँ, मैं तुझ पे राजी हूँ। ये अहले बैत अतहार का सब्र है। फिर सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का सब्र, और फिर मैं कहता हूँ सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, ये तो अहले बैत अतहार के जितने भी अफराद हैं इनके सब्र के तो क्या कहने। अल्लाह अकबर, सब्र के वाले से एक और मुझे उसमें सखावत भी है और उसमें सब्र भी है कि एक फ़कीर ने आके सदा लगाई कि ऐ सईदा मैंने हुसैन लेना है, मुझे हुसैन दे दिया जाए। तो अब ये तो मैंने तो कायनात में नहीं देखा कि किसी से उसका उसके जिगर का टुकड़ा मांगा जाए तो वो अपने दिल पर पत्थर रखे और कहे अच्छा यार तू मेरा पुत्र ले जा, मेरे देखने में नहीं आया, आपके देखने में आया हो तो यकीनन मेरी इस्लाह कीजिएगा आप। तो वो उसने कहा जी मुझे हुसैन दे दीजिए। तो सैयदा ज़हरा पाक ने इनकार नहीं फरमाया, फरमाया ठहर मैं तो इजाज़त देती हूँ इसे ले जाने की लेकिन इसके अब्बा जान अलीउल मुर्तज़ा से इजाज़त लेनी होगी। आप तशरीफ लाई और कहा है अलीउल मुर्तज़ा बाहर एक फ़कीर है और वो ये कहता है कि हुसैन दे दिया जाए तो मैं आपसे इजाज़त लेने आई हूँ। अल्लाह अकबर, कैसा सब्र है और कैसा शुक्र है और फिर कैसी सखावत है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखिए। अली पाक ने जब समात फरमाया ना कि ज़हरा पाक क्या कह रही हैं तो इरशाद फरमाया अली पाक ने ज़हरा यूँ करो हुसैन अपनी तरफ से दे दो, हसन मेरी तरफ से दे दो। तो ये सब्र है उस घर का, है जी, सब कुछ लुटा कर भी वो उन्होंने अल्लाह का सब्र का दामन नहीं छोड़ा और अल्लाह का शुक्र करना उन्होंने नहीं छोड़ा। ये अहले बैत अतहार की जिंदगी से हमें सब्र और शुक्र की तालीमात मिलती है। जी नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं, अहले बैत अतहार के किसी फर्द को देखें, किसी जगह पर भी देखें, हजरात नाज़रीन यकीनन ये ऐसी शख्सियात है, किसी जगह पर भी इन्होंने ना तो सब्र का दामन छोड़ा है और ना ही शुक्र का दामन छोड़ा है। हर हाल में अल्लाह का सब्र किया है, शुक्र अदा किया है, इसमें कोई शक नहीं। आइए, मैं चाहता हूँ, वक्त काफ़ी हुआ चाहता है, कलाम शामिल कर लेते हैं। मोहम्मद ताहा कादरी कम सिन सना खान जी, ताहा भाई कौन सा कलाम पेश फरमाएंगे जी? बिस्मिल्लाह। उनका मंगता हो जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हो जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका, हमें रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मेरे हर ऐप की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐप की
करते हैं वो पर्दा पोशी, लेकिन मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें। मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मेरे आका हमें रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। आपके शहर सांगला हिल में बच्चों की शॉपिंग का बेहतरीन मरकज ABC। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी सर। भाई मुझे न्यू बॉर्न बेबी हुआ है तो कब तक दिखाऊं? जी सर अभी दिखा दूंगा। हमारे यहाँ न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 10 साल के बच्चों के लिए गारमेंट्स की तमाम वैरायटी मौजूद है। और मुझे 2 साल की भतीजे के लिए कपड़े भी दिखाए। जी सर ये सिलेक्शन लगी है 2 साल की, अभी से सिलेक्शन जा सकते हैं। अब आप अपनी पसंद का इंतखाब बजाते खुद भी कर सकते हैं। बेबी जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी भी हमारे पास मौजूद है। जाओ जाके देख लो बेटा। अब छोटे बच्चे भी बिला झिझक अपनी मन पसंद वालदैन के साथ और अकेले भी कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड बिल मुनासिब दाम फिक्स रेट के साथ, हमारा ये है पैगाम। जी अगर आप कोई चीज़ इसमें घर वालों को पसंद आए, वापस भी हो जाएगी, चेंज भी हो जाएगी, पेमेंट भी मिल सकती है, चेंज भी हो जाएगी, आप आ सकते हैं। रेलवे गली नंबर 3 सांगला हिल जिला ननकाना साहब। मोबाइल नंबर 0300-721-2658। मैट्रिक के बाद और गर्मियों की छुट्टियों में फारक क्यों, आइए कंप्यूटर सीखिए। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज, प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए, प्रैक्टिकल हमारी पहचान, स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी रायत, इंटरनेट की क्लासेस, दाखिला जारी है। ब्राइट HD फ्लेक्स डिजाइनिंग प्रिंटिंग शादी कार्ड इश्तहारात, HD फ्लेक्स स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए और घर की दीवारों पर खूबसूरत दीदा जेब वॉलपेपर लगवाने के लिए तशरीफ लाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव सैफुर रहमान 0321-669-6980, मोहम्मद अमानुल हक 0321-361-3233, मोहम्मद एहसानुल हक 0300-438-9180। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी कमेटी बाजार सांगला हिल। खिदमत इंसानियत हमारा मंशूर मदनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भलेर रोड मोहल्ला श्रीपुरा सांगला हिल। हमारा मकसद
इंसानियत की खिदमत और उनमें खुशियां बांटना है, मुस्तहिक लोगों की बाइज्जत तरीके से खिदमत करना। मदनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का खिदमत इंसानियत में एक और कदम, मदनी एजुकेशन सिस्टम, भलेर रोड मोहल्ला श्रीपुरा सांगला हिल, बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम देना ताकि इस्लामी तरीके से मुआशरे की तकमील हो। आओ अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए, मुआशरे में खुशियां बांटने के लिए हमारा साथ दो। इंतज़ामिया मोहम्मद हफीज, अतीक आवान, राना एहसान, काशिफ जट। जी वेलकम बैक नाज़रीन। यकीनन बहुत प्यारी गुफ्तगू और मोहम्मद ताहा कादरी साहब ने बहुत प्यारा कलाम पेश फरमाया और अल्हम्दुलिल्लाह सब्र शुक्र के हवाले से बहुत प्यारी कुरान और हदीस के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू की गई और इसके साथ साथ अहले बैत तहार सब्र कैसे करते थे, शुक्र कैसे अदा करते थे, उनसे सबक क्या मिलता है। सुभानअल्लाह बहुत प्यारी गुफ्तगू। मौलाना मैं चाहता हूँ सहाबा इकराम के हवाले से जो सब्र और शुक्र की मिसालें जो हमारे लिए कह सकता हूँ कि जिन पर हम अमल करते हुए जो ज़िंदगी गुजार सकते हैं आसान तरीन, क्या फरमाएंगे इस हवाले से। हाँ, इस हवाले से सैफ साहब मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जैसे बुनियादी बात मैंने अर्ज़ की है कि ईमान का हुस्न सब्र है और सब्र के बाद शुक्र का दर्जा है जी। तो इसी तरह जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला की ज़िंदगी को देखते हैं या सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह तआला की ज़िंदगी को देखते हैं, सरकारी उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला की ज़िंदगी को देखते हैं, तो हमें सब्र और शुक्र के आला मेयार नज़र आते हैं माशाल्लाह। इनमें से खुलफ़ाए राशिदीन में से तो चार ऐसे हैं कि जिनको शहादत का मनसब अता किया गया, सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह तआला और सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नूरैन रदी अल्लाह तआला, सैयदना अली पाक रदी अल्लाह तआला, हज़रत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह तआला, ये खुलफ़ाए राशिदीन पाँच है। तो चार को मनसब शहादत अता फरमाया गया। एक हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला हैं कि जो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शहादत के मकाम पर फ़ायज़ हुए जी। तो ज़ाहरी शहादत जो है इन चार खुलफ़ाए उज़ाम को अल्लाह तबारक ताला ने अता फरमाई। तो जिस किसी ज़िंदगी की भी ज़िंदगी का मुताला करते हैं ना, वो खा हज़रत उमर पाक की शहादत को देख लें, तो फिरोज़ लोलू नामी शख्स था कि जिसने फजर के वक्त ही हज़रत उमर पाक का हमला किया है जी। तो ऐसे वक्त में उमर पाक फरमा रहे हैं कि यार इसे जो है ना वो इस पर रहमदिली की जाए और इस पर मेहरबानी की जाए। तो बल्कि सरकार उमर पाक रदी अल्लाह ताला उन्होंने नमाजियों से फरमाया अपनी नमाज मुकम्मल करें, यानी उधर खंजर लगा हुआ है, उधर आप पर हमला हुआ है, आपको शहीद किया जा रहा है और इस नाजुक मरहले में भी उन्हें फिक्र किस चीज़ बात की है कि भाई नमाज पढ़ी जाए और अल्लाह अल्लाह की जाए है जी, नमाज पढ़ी जाए और अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया जाए। तो ऐसे नाजुक मौके पर भी वो बेसब्री से काम नहीं ले रहे और ना शुक्री से काम नहीं ले रहे। इसी तरह हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह को देखते हैं तो जब आपसे कुछ लोगों ने कहा कि हज़रत जी आप इनके जो मुतालबात हैं वो क्यों नहीं पूरे करते, और अगर मुतालबत नहीं पूरे करने क्योंकि ये शरीयत के मुनाफी हैं तो ये नहीं मुतालबत पूरे करने, तो आप ऐसा करें कि हमें आप हुक्म इरशाद फरमा दें कि हम इनके साथ जंग करते हैं और हम इनको पसपा कर देंगे। तो इरशाद फरमाया कि नहीं, मैं अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की शहर में खून रेजी नहीं चाहता। अल्लाह ठीक है। तो सब्र और शुक्र के साथ अपने घर पर 40 दिन कैद रहे। 40 दिन तक बुलवाइयों ने हज़रत उस्मान पाक के घर में खाना भी नहीं आने दिया, पानी भी नहीं आने दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 40 दिन तक भूखे प्यासे हज़रत सैयदना उस्मान ने गनी और आपकी अहलिया मोहतरमा भूख के साथ और प्यास के साथ 40 दिन घर के अंदर ही घर का मुहासरा किया गया और फिर पिछली साइड से वो भी जनाब अंदर दाखिल हुए घर के अंदर और फिर कत्ल करने वालों ने भी देखा कि हज़रत उस्मान गनी 40 दिन के भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, लेकिन इतने भूख के बावजूद, इतनी प्यास के बावजूद कुरान खुला हुआ है, कुरान की तिलावत हो रही है। वाह वाह। इतनी भूख और प्यास के बावजूद भी कुरान की तिलावत हो रही है और इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि बुलवाई हमारे घर में दाखिल हो चुके हैं। हज़रत उस्मान पर कुरान पढ़ते चले जा रहे हैं, वो एक आया है उसने आके खंजल चलाया है और आप फिर भी कुरान पढ़ते चले जा रहे हैं। इस चीज़ से बेगाना है। हज़रत इकबाल रहमत ने फरमाया था ना, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। तो उन्हें ईमान की लज्जत ऐसी मिली हुई थी, ऐसा लुत्फ और ऐसा कैफ उन्हें आ रहा था, ऐसे मगन थे वो कुरान। मेरे शेख करीम जानशीन मुहद्दिस अब्दालवी हज़रतुल अल्लाम
पीर मोहम्मद नूरुल मुस्तफा रिजवी साहब क़िबला दामत बरकातुल कुदसिया, आप इरशाद फरमाया करते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा ना तो अल्लाह के हुजूर जब हज़रत उमर पाक आएंगे ना तो अल्लाह पूछ गया, उमर तू जब मेरी बारगाह में आया तो क्या कर रहा था? तो हज़रत उमर पाक अर्ज़ करेंगे, अल्लाह मैं तो तेरे नबी के मसल्ले पर नमाज पढ़ रहा था। जब हज़रत उस्मान गनी से पूछा गया, उस्मान जब तू मेरे पास आया तो क्या कर रहा था? तो अर्ज़ करेंगे, अल्लाह मैं तो तेरे कुरान की तिलावत कर रहा था। अली पाक से पूछा जाएगा तो अली पाक कहेंगे, अल्लाह मैं तो तेरी नमाज के लिए आ रहा था। इमाम असल पाक से पूछा जाएगा तो वो कहेंगे, अल्लाह मैं तेरे दीन की सरफराजी के लिए जिद्दोजहद कर रहा था। हज़रत हुसैन पाक से पूछा जाएगा तो हुसैन पाक अर्ज़ करेंगे, अल्लाह इतने लाशें उठाते हुए मैंने सबर किया और जब मेरी गर्दन तन से जुदा होने लगी उस वक्त मैंने सजदा शुक्र तेरी बारगाह में किया। तो ये वो सहाबे कराम की, देखें सैफ साहब कानूने दुनिया ये है कि मर्द जो है मर्द औरतों से ज्यादा साबर होता है, ज्यादा शाकर होता है, क्योंकि इसका वास्ता पड़ता रहता है जमाने की कुल्फतों से, परेशानियों से। तो मर्द होता भी मर्द वही है कि जो मुकाबला कर सकता हो, ठीक है। हज़रत मियाँ साहब फरमाते थे कि हर मुश्किल की कुंजी यारो हाथ मर्दां दे आई, मर्द निगाह करे जिस वेले मुश्किल रवे ना काई। तो मर्द जो है ना कानून दुनिया ये है कि मर्द ज़्यादा साबर होता है, माशाल्लाह। लेकिन कुर्बान जाए नबी करीम अलैहिस्सलाम की ईमान अता फरमाने पर कि सैयद आलम अलैहिस्सलाम की सोहबत में और सरकार आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में रहने वाले सहाबा तो सहाबा रह गए, आपकी जो सहाबियात थी जब उनका सबर और उनका शुक्र करना देखते हैं तो कसम से उन पर जान निसार करने को दिल करता है। ये गजवा बदर से जब वापसी पर एक अंसारी सहाबिया को मालूम चला कि उसका बेटा जो है वो शहीद हो गया है, तो वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे ये इरशाद फरमाएं, अगर तुम मेरा बेटा जहन्नम में है तो फिर मैं वदेला करूंगी, मैं उस मातम करूंगी, और या रसूलल्लाह अगर मेरा बेटा जन्नत में है जी तो या रसूलल्लाह मैं सब्र भी करूंगी और अल्लाह का शुक्र भी अदा करूंगा। देखें यहाँ पर एक और बात नाज़रीन मुकर्रम हमारे सीखने के लिए ये है कि ये सहाबा का ही नहीं सहाबियों सहाबियात का भी अकीदा था कि जो हम नहीं जानते वो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जानते हैं। तो इसलिए अर्ज किया या रसूलल्लाह जरा मुझे बताएं, हाँ मेरा बेटा जन्नत में है या जहन्नम में है? तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अलैका सब्र व शुक्र, ऐ मेरी सहाबिया तू सब्र भी कर और अल्लाह का शुक्र भी अदा कर। अर्ज किया या रसूल किस बात पर? फरमाया तेरा बेटा जन्नत में नहीं बल्कि जन्नतुल फिरदौस में मुकीम है और वहाँ पर जन्नत की बहारें ले रहा है। अच्छा यहाँ पर एक और बात जो है ना वो मैं करना चाहूँगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के हदीसे पाक है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नल जनाना फिल जन्ना, फरमाया एक जन्नत में कई जन्नतें हैं, ठीक है। और खुद कुरान करीम में भी आया इन्नल अबरार फी जन्नात नईम, जो अबरार लोग हैं ना ये जन्नत में जन्नत नईम में होंगे जी, जो इतनी सारी जन्नतें हैं उनमें से जो जन्नत नईम है वहाँ पर अबरार लोग होंगे, यानी जन्नतुल फिरदौस भी एक जन्नत है, जन्नत नईम भी एक जन्नत है और जन्नत भी एक जन्नत है, माशाल्लाह। अच्छा यहाँ पर एक और नाज़रीन मुकर्रम के लिए मैं तोहफा पेश कर दूँ, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब भी अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो, माशाल्लाह। साहबान तफसीर फरमाते हैं इसकी वजह यह है कि जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत है जहाँ खुद सरकारे आलम जलवा फरमा होंगे। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ये नहीं पसंद फरमाते कि मैं अलहदा रहूँ मेरे गुलाम अलहदा रहे, फरमाया नहीं मेरे गुलाम जब मांगना ना जन्नत फिरदौस ही मांगना, क्योंकि आप मेरे पास होंगे मैं तुम्हारे पास हूँ, है जी। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि सहाबियात का जो सब्र और शुक्र है वो अर्ज करती हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो जन्नत में है तो फिर मैं सब्र और शुक्र करती हूँ, अगर वो दोज़ख़ में है तो फिर मैं मातम करती हूँ। तो सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तू मातम ना कर, तू शब्बो सितम ना कर, तू बिल्कुल जो है वावेला ना कर, तू सब्र भी कर और अल्लाह का शुक्र भी अदा कर। इसी तरह एक औरत थी वो भी बाद में ईमान लाई ज़माना जाहिलियत में, उनका नाम था खनसा, तो वो बहुत कमाल की शायरा थी। तो उनका ना भाई कत्ल हो गया किसी मामले में, तो उन्होंने इतना दुख किया कि अपने भाई के इस कुर्ब में और इस वसाल में उन्होंने जुदाई में कुछ अशार लिखे। अशार इतने जानदार थे कि वो जब खुद पढ़ा करती थी तो खुद तो रोती थी, सामईन पर भी एक रिक्कतारी हो जाती थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अच्छा वक्त गुजरता रहा हुजूर आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया, वो करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ करके कलमा पढ़ कर मुसलमान हो गई। अब जब मुसलमान हुई ना तो उन्हें ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की सोहबत की बरकत से ये बात और ये राज मिल गया कि ईमान का सेहरा सबर भी है और शुक्र भी है। वाह क्या बात। एक भाई मरा है तो वो उन्होंने ऐसा वेवेला किया कि जहां बैठती वो अशार सुनाया करती, जहां बैठती वो अशार सुनाया करती। यहां पर जिम्मन में ये भी एक बात कहूं कि ये शायर का ना शायर का विजदान होता है, शायर का उसे जब कोई चीज़ मिल जाती है ना तो उसका ये दिल होता है कि यार जो मुझे मिली है मैं किस तक कन्वे करूँ, और वो पसंद करता है कि मैं किसी को सुनाऊँ, लोग उसकी जो है ना वो तहरीर को सुने। तो इसी तरह वो सुनाया करती थी,
तो लोग सुनकर रोया करते थे, खुद भी रोया करती थी। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम का जब कलमा पढ़ा तो दीन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें ऐसा निखार दिया कि जंगे कादसिया जब हुई तो वो अपने तीन बेटों को लेकर के अमीर लश्कर के पास आई तो आकर के कहा कि ये मेरे तीन बेटे हैं, इनको अपने साथ जंग पर ले जाइए, ये कुफर और हक्का मार का है और मैं नहीं चाहती हूँ ये घर पर बैठे रहें, ये जाके वहाँ पर जंग करें। और देखें जब वो जाने लगे ना तो अपने तीनों बेटों को बुलाया, तीनों बेटों को बुला करके कहा बेटों मैं तुमसे वादा लेना चाहती हूँ कि मैदान जंग में जब तुम जहाद करोगे ना तो मर्दों की तरह जहाद करोगे, एक बात। दूसरी ये बात है गैरतमंदों की तरह जहाद करोगे, और तीसरी ये है कि बेटा तुम में से मेरा कोई बेटा भी पुश्त पर वार ना खाए, पुश्त पर वार ना खाए, अपने सीने पे वार खाना। अगर तो इन तीनों बातों पर तुमने अमल ना किया तो क़यामत के दिन आपकी गर्दन होगी, मेरा हाथ होगा, मैं तुम्हें गर्दन से पकड़ूंगी और अल्लाह की बारगाह में मैं तुमसे बाज पुरुष करूंगी। अब वो काफिला रवाना हो गया, जंग हो गई, अल्लाह करीम ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। वापसी आए तो पता चला कि वो तीन बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए, हज़रत खंसा रदी अल्लाह ताला अन्हा के, ये वही जो इस्लाम लाने से पहले शायरा थी, और इतना रोई अपने भाई के मरने पर, कत्ल होने पर, कि नबीना हो गई, आंखों से अंधी हो गई। और यहाँ पर क्या है, इस्लाम ने, ईमान ने उन्हें ऐसा सब्र और ऐसा शुक्र करने वाली बना दिया कि जब इत्तला मिली कि तेरे तीनों बेटे शहीद हो गए हैं तो आपने फरमाया मुझे ले चलो मैदान कारजार में। अब वो एक लाठी पकड़ी हुई है, लाठी के सहारे उस मैदान जिहाद में आती हैं, तो फरमाया सबसे पहले ऐसे करो मेरे तीनों बेटों की लाशें मेरे सामने ला के रखो और उल्टी रखो। अब वो लाशें उल्टी रखी गई, और उल्टी लाशें रखने के बाद अब वो नबीना थी चूँकि, तो उन्होंने पूरे उनकी कमर पर हाथ फेरा, उनकी पिछली टांगों की तरफ वहाँ पर भी हाथ फेरा, एक बेटे के, फिर दूसरे बेटे के, फिर तीसरे बेटे के, तीनों बेटे की पुश्त को अच्छी तरह टटोल के देखा, फरमाया अब ज़रा इनको सीधा करो। अब सीधा किया गया, ये वो है हज़रत खंसा रदी अल्लाह ताला अन्हा है जो सहाबियाँ हैं। तो जब तीनों बेटों को सीधा किया गया, हाथ फेरा, अल्लाह अकबर कबीरा, आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ा, इस बात पर नहीं कि मेरे तीन बेटे शहीद हो गए हैं, इस बात पर कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे तीन बेटों की शहादत का रुतबा अता फरमा कर, बेटों को मुझे उनकी माँ बनने का शरफ अता फरमा दिया। और उस हदीस में यहाँ तक आता है, साहब शेर ने लिखा है कि उसने हाथ उठा करके अल्लाह करीम की बारगाह में अर्जी पेश की, अल्हम्दुलिल्लाह शर्रफनी बिशहादती हाउलाई, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये शरफ दिया कि मैं तीन शहीद बेटों की अम्मा बन गई। तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन अता फरमाना था, और ये उनके अंदर ईमान की वजह से सब्र और शुक्र की कैफियत का ये आलम था कि मर्द तो मर्द रह गए, औरतों में भी इस कदर जज्बा ईमानी मौजूद था कि वो भी सब्र करने से पीछे नहीं रहीं, और वो भी शुक्र करने से पीछे नहीं रहीं, हर हर लम्हा हर हर घड़ी सब्र और शुक्र, ये उनकी ज़िंदगी का हुसन था और उनकी ज़िंदगी का कमाल। नाज़रीन इसमें कोई शक नहीं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम आपकी ज़िंदगी से, अहले बैत अतहार आपकी ज़िंदगी से, सहाबा किराम आपकी ज़िंदगी से यही यकीनन सबक मिलता है, जितना सब्र करेंगे शुक्र अदा करेंगे उतना ही रब राज़ी होगा, और आपके रिस्क में ज़िंदगी में हर हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हर ज़िंदगी के तुम्हारे पहलू में इंशाअल्लाह बरकत डाल दी जाएगी। कलाम शामिल करते हैं मोहम्मद अदनान गोल्डवी, ज्वाइन किया है दरमियान में हमें। जी अदनान भाई कौन सा कलाम पेश फरमाएंगे? जी जैसा कि मौजू की मुनासबत से एक इल्तिजाया कलाम है, मेरे बहुत ही अज़ीज़ भाई हैं जिन्होंने लिखा हुआ है, इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि सबको पसंद भी आएगा माशाअल्लाह। तेरे दर्द गदा बन के सदामा कर दया रहना, माशाल्लाह। तेरे दर्द सदा बन के सदामा कर दया रहना, सदा बन के मेरे आका गुलाम ते अतावा कर दया रहना, मेरे आका गुलाम ते अतावा कर दया रहना।
अल्लाह न दुपा गिया मेरे सिर ते कदिया का न दुपा गिया सिर ते कदिया का करम अपने दिया मेरे ते छावा कर दिया रैना करम अपने दिया मेरे ते छावा कर दिया रहना। और बहुत ही खूबसूरत शेर गाजी अब्बास अलमदार आपके शान में बहुत ही खूबसूरत शेर लिखा माशाल्लाह। वसीला पंज वसीला दे के पंज तन दा दुआवा कर दिया रहना। और बहुत ही खूबसूरत शेर बावे कट जावे सर अपना बावे कट जावे सर अपना ये दसिया गा जिक्र बल विच ते सैयदाना लिए लोगो ते सैयदाना लिए लोगो वफावा कर दिया रहना ते सैयदाना लिए लोगो वफावा कर दिया रहना। बहुत ही खूबसूरत शेर वसीला देख के पंज खुदा भी मोड़दा नहीं है ओदी गल नू कदी यारो खुदा भी मोड़दा नहीं है ओदी गल नू कदी यारो वसीला दे के पंज तन दा दुआवा कर दिया रहना वसीला दे के पंज तन दा दुआवा कर दिया रहना मिले जामीन लज पाला तेरे हसने निदा सदका मिले जामीन लज पाला तेरे हसने निदा सदका मदीने वाले आ सखिया सखावा कर दिया रहना मदीने वाले आ सखिया सखावा कर दिया रहना मेरे आका गुलामा ते अतामा कर दिया रहना तेरे दर दे गदा बन के सदामा कर दिया आपके शहर सांगला हिल में बच्चों की शॉपिंग का बेहतरीन मरकज ABC। अस्सलाम
भाई मुझे न्यू बॉर्न बेबी हुआ है तब तक हमारे यहाँ न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 10 साल के बच्चों के लिए गारमेंट्स की तमाम वैरायटी मौजूद है। और मुझे 2 साल की बेटी के लिए कपड़े भी सर ये सिलेक्शन लगी है 2 साल की अभी तक सिलेक्शन जाती है। अब आप अपनी पसंद का इंतखाब बताते खुद भी कर सकते हैं। बेबी जन्ना स्टोर की तमाम वैरायटी भी हमारे पास मौजूद है। हम छोटे बच्चे भी बिला झिझक अपनी मन पसंद वालदैन के साथ और अकेले भी कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड बिल मुनासिब दाम फिक्स रेट के साथ हमारा ये है पैगाम जी। अगर आप कोई चीज़ इसमें घर वालों को पसंद आए वापस भी हो जाएगी चेंज भी हो जाएगी पेमेंट भी मिल सकती है चेंज भी हो जाएगी आप आ सकते हैं। रेलवे गली नंबर 3 सांगला हिल जिला ननकाना साहब। मोबाइल नंबर 0300-721-2658। मैट्रिक के बाद और गर्मियों की छुट्टियों में फारक क्यों, आइए कंप्यूटर सीखिए। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज, प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए। प्रैक्टिकल हमारी पहचान, स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी राय, इंटरनेट की क्लासेस, दाखला जारी है। ब्राइट HD फ्लेक्स डिजाइनिंग प्रिंटिंग शादी कार्ड इश्तहारात HD फ्लेक्स स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए और घर की दीवारों पर खूबसूरत दीदा जेब वाल पेपर लगवाने के लिए तशरीफ लाए। चीफ एग्जीक्यूटिव सैफुर रहमान 0321-669-6980, मोहम्मद अमानुल हक 0321-361-3233, मोहम्मद एहसानुल हक 0300-438-9180। ब्राइट कंप्यूटर अकेडमी कमेटी बाजार सांगला हिल। ऑर्गेनाइजेशन लेबो मोहल्ला श्रीपुरा सांगला है। हमारा मकसद इंसानियत की खिदमत और उनमें खुशियां बांटना है। मुस्तहिक लोगों की बाइज्जत तरीके से खिदमत करना मदनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का खिदमत इंसानियत में एक और कदम। मदनी एजुकेशन सिस्टम ले रोड मोहल्ला श्रीपुरा सांगला है। बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम देना ताकि इस्लामी तरीके से माशरे की तकमील हो। आओ अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए माशरे में खुशियां बांटने के लिए हमारा साथ दो। इंतजामिया मोहम्मद हफीज अधीक आबाद राणा एहसान काशिफ जट। सांगला हिल में प्रोफेशनल सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम का सबसे पुराना और पहला नाम GR सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम रेलवे रोड नज कमेटी चौक सांगला हिल। सिक्योरिटी कैमरा मोबाइल ऑनलाइन के साथ इंस्टॉल करवाने के लिए राब्ता करें। कंप्यूटर्स और कंप्यूटर्स लैब इंस्टॉलेशन और रिपेयरिंग करवाने के लिए राब्ता करें। सस्ता और तेज तरीन फाइबर इंटरनेट, अनलिमिटेड डाउनलोडिंग और अपलोडिंग, फौरी कंप्लेन सर्विस, मुकम्मल फाइबर टू होम कनेक्शन लगवाएं। GR सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम एंड फाइबर इंटरनेट रेलवे रोड नज कमेटी चौक सांगला हिल। ऑफिस राबता नंबर 0305-999-9040-0344-716-0009। मोहम्मद ताहिर रसूल मुगल, मोहम्मद अवैस मुगल, मोहम्मद जुबैर मुगल, मोहम्मद अमीर हमजा। वेलकम बैक नाजरीन, बहुत प्यारा कलाम मोहम्मद अदनान गोलड़वी साहब ने पेश किया और अल्लामा मौलाना मोहम्मद मोहतशम रिज़ा नूरी रिजवी साहब ने बहुत प्यारी गुफ्तगू फरमाई और सब्र शुक्र की अहमियत के हवाले से सहाबा इकराम की ज़िंदगी से, अहले बैत अतहार की ज़िंदगी से और बुज़ुर्गान दीन की ज़िंदगी से। और मैं चाहता हूँ नाजरीन आखिर में
एक कलाम भी शामिल करें। मोहम्मद नबील अहमद गोल्डवी साहब हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है और अल्लामा साहब हमारे दरमियान है। मौलाना, मैं चाहता हूँ, गुफ्तगू तो बहुत प्यारी हुई है, तो आज के मौजू को हम समेटते हुए यकीनन जो भी मौजू शुरू कर लें तिशनगी तो बाकी रहती है, तो यकीनन अभी काफ़ी ऐसे पहलू हैं जिन पर हम गुफ्तगू करते हुए सब्र और शुक्र जो है वो उसके हवाले से हम गुफ्तगू कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं, क्योंकि वक्त भी पेश नज़र है, तो मैं चाहता हूं सब्र और शुक्र के हवाले से आलम इस्लाम को बज़्म सैफ रमज़ान ट्रांसमिशन की मदद से कौन सा पैगाम देंगे, और इसी पैगाम के साथ नाज़रीन हम कलाम शामिल करेंगे और आज की इंशाअल्लाह ट्रांसमिशन का इख्तिताम करेंगे। जी बिस्मिल्लाह सैफ साहब, पैगाम सब्र और शुक्र के हवाले से ये है, सब्र पर तो माशाल्लाह कुरान हदीस के हवाले से, शुक्र पर भी ज़िमन बात होती रही, शुक्र के हवाले से कुरान शरीफ की कायद का मैं सहारा लेना चाहूँगा। इरशाद रब्बानी होता है, लाइन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम वाला इन कफर तुम इन अज़ाबी लशदीद। इरशाद रब्बानी है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा, वाला इन कफर तुम इन अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम कुफरान नेमत करोगे तो बेशक मैंने तुम्हारे लिए बड़ा सख्त अज़ाब तैयार कर रखा है। देखें, सब्र की अहमियत पर तो मैंने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह गुज़ारिशात पेश की हैं, शुक्र पर भी इस आयत के तनाज़ुर में मैं एक दो बातें करना चाहता हूँ। फरमाया अगर तुम शुक्र करोगे, अच्छा शुक्र किस बात पर करना है कि अपना मुद्दा मिलने पर, अपना मतलब पूरे होने पर? नहीं, शुक्र उस बात पर करना है जो रज़ा अल्लाह की है। वाह वाह वाह, ये इसे ईमान कहते हैं, या गमी है, इसे ईमान कहते हैं, इसे ईमान कहते हैं, इसे ईमान कहते हैं। शुक्र ये नहीं कि तेरा मतलब पूरा हो जाए, जो तू चाहता है वो हो जाए, ना, तुझे शुक्र उस बात पे करना है और उस बात पे सब्र करना है जो अल्लाह ने तेरे लिए पसंद किया, और तू उसी पर ही साबर हो गया, उसी पर ही शाकर हो गया जी। तो फिर देख तुझे कितना ज़्यादा मिलता है। मेरे पीर भाई हैं, उनकी वालदा साहबा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा का इंतकाल हो गया, तो मैं उनसे मुलाकात के लिए गया। ज़ाहिर ये हमारा एक दीनी फरीज़ा भी है और इंसान होने के नाते भी एक अच्छा अमल है, तो मैं ताज़ियत के लिए गया वहाँ पर। तो मैंने कहा, जी अल्लाह ताला की रज़ा है जनाब, आपकी वालदा साहबा मरहुमा मकफूरा दुनिया से चली गई। तो वो कहने लगे, जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह अकबर। तो मेरे चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया हुए, कुछ लोग भी बैठे हुए थे, उनकी हिम्मत ना हुई सवाल करने की। तो जब वो दोस्त दाएं बाएं हुए तो मैंने उनसे गुजारिश की, मैंने कहा जनाब खिलाफ मामूल ये जुमला सुनने को मिला है कि आपकी वालदा दुनिया से चली गई हैं, तो आपने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला का। तो वो मुस्कुरा के तो मुझे अपने बगल में लेके कहने लगे, नूरी साहब तुसा कुरान नहीं पढ़िया? मैं कहा जी पढ़ा है। तो कहा उसी कुरान में अल्लाह ने फरमाया, लाइन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। मैंने कहा जनाब ये तो समझ आती है कि हम शुक्र करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पर तुम्हारी माँ चली गई है, आपकी माँ दुनिया से चली गई है, तो आप कहते हैं अल्लाह तुम्हें ज़्यादा देगा। इस पर जो उन्होंने जुमला दिया ना, ये ईमान के कमाल का जुमला था। वो मुझे फरमाने लगे, नूरी साहब चुप कर जाओ, मैं अल्लाह का शुक्र करना है, वो जो भी मैनू देगा ना वो मैं जाना तो वो जाने। अच्छा उसने कहा जो है कि मैंने देना है ज्यादा, लाइन शकर तुम लाजीद ना कुम, मैं तुझे ज्यादा दूंगा। तो फरमाया ये मेरा और उसका राज है, वो मुझे क्या देगा मैं उससे क्या लूंगा। जी, जी। इसी पर ही हजरत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनका एक वाक्य मैं रखना चाहूंगा कि हम शुक्र करते हैं उस बात पर कि जो हमारे मुताबिक हो, जो हमारे मुतल्लिक हो, जो हमारी ख्वाहिश और आरजू के तहत हो, लेकिन ये जो नफूसे कुदसिया थे, इन्होंने शुक्र किस बात पर किया है, इन्होंने किस बात पर सब्र किया है? आपकी बारगाह में एक साहब आते हैं तो पूछते हैं, हजरत जी आप ये इरशाद फरमाए कैसी गुजरती है? इरशाद फरमाए हम तो फकीर लोग हैं, आप कहिए कैसी गुजरती है? कहा हजरत जी मिल जाए तो खा लेते हैं, ना मिले तो बांट देते हैं। तो नाजरीन अगर हमारा भी यही वतीरा है कि हमें मिल जाए तो हम खा लेते हैं, ना मिले तो बैठे रहते हैं, तो हजरत फरीद सरकार क्या फरमाते हैं आपको समझ लेना चाहिए और अपने दिल की तख्ती पर नोट करना चाहिए। आपने उन्होंने कहा मिल जाए तो खा लेते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं, तो हजरत फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह ने फरमाया ये हाल तो पाक पतन के कुत्तों का है। भाई उन्हें मिला उन्होंने खा लिया, ना मिले तो सब्र किया, तो इसमें इंसान का कमाल क्या है जी? हम भी ऐसे ही करते हैं, मिल जाए तो खा लेते हैं, ना मिले तो बैठे रहते हैं जी। तो अब उसने अर्ज किया, हजरत अगर ये मामला है तो फिर आप फरमाएं आपकी कैसे गुजरती है? तो हजरत फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह ने फरमाया भाई हमें मिल जाए तो हम बांट देते हैं, ना मिले तो उसका शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह हू अकबर। ना मिले तो उसका शुक्र अदा करते हैं, मिल जाए तो बांट देते हैं। जी हाँ, मिल जाए तो बांट देते हैं। देखिए हमारे मुआशरे का ये बहुत बड़ा नसूर है, हमें मिल जाए तो हम छुपा के रख लेते हैं, देना तो कुछ अपने लिए भी सामने रखते, उसे भी कुछ छुपा के रख लेते हैं, तो वहां पर सब्र कहाँ रह जाएगा, शुक्र किधर रह जाएगा? इसी तरीके से हुजूर खत्मी मर्तबत अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिसे चार चीजें मिल जाएं
ज़िंदगी गुजारने के लिए उसके लिए ये चार चीज़ें काफ़ी हैं और उसे अल्लाह से तलब करनी चाहिए। ये चार चीज़ें वो क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं पहली चीज़ ये है जिक्र करने वाली ज़ुबान, माशाल्लाह, ये अल्लाह से मांगो, माशाल्लाह। दूसरी चीज़ है शुक्र करने वाला दिल, जी जी, ये भी अल्लाह से मांगो। तीसरा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैं सब्र करने वाला बदन, और चौथा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह के हुज़ूर से तलब किया करो नेक सीरत बीवी मिल जाए जो दुनिया और आखरत में तुम्हारी मुआवन साबित हो। तो आका करीम फरमाते हैं जिसे ये चार चीज़ें मिल जाएं उसकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी हैं और ये अल्लाह रसूल से तलब करनी चाहिए हमें। ये चार चीज़ें मिल जाएं, लिखने वालों ने ये भी लिखा है कि ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआ थी जी। उन्होंने अल्लाह के हुज़ूर दुआ की कि परवरदिगार मुझे जिक्र करने वाले ज़ुबान दे, शुक्र करने वाला दिल दे, सब्र करने वाला बदन दे, और ऐसी बीवी मुझे अता फरमा जो दुनिया व आखरत में मेरी मुआवन हो। अच्छा, इसके मुत्तसिल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये जो चार चीज़ें मांगी तलब की, इसी के साथ ही चार चीज़ों से अल्लाह की पनाह भी तलब की। मैं चाहता हूँ नाज़रीन के हवाले करूँ वो भी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जहाँ पर यह मांगा अल्लाह मुझे जिक्र करने वाली ज़ुबान दे, शुक्र करने वाला दिल दे, सब्र करने वाला बदन दे और नेक बीवी अता फरमा, वहाँ पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुज़ूर से पहली दुआ ये मांगी, अर्ज़ किया परवरदिगार मुझे ऐसी औलाद ना अता फरमाना जो मुझ पर सरदारी करे, ठीक है। दूसरी दुआ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह मांगी कि परवरदिगार मुझे ऐसी दौलत ना अता फरमाना कि मैं तेरा ना शुक्रा बंदा बन जाऊं, मुझे ऐसी दौलत ना अता फरमाना। और तीसरी दुआ अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह मांगी परवरदिगार मुझे ऐसी बीवी ना अता फरमाना जो मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दे, अपनी ख्वाहिशात और अपनी आरजुएं अपनी तमन्नाएं इस कदर मेरे सामने रखे कि मैं उसकी तमन्नाओं आरजुओं को पूरा करते करते मैं बूढ़ा हो जाऊँ। अल्लाह, तो चौथी दुआ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुज़ूर से ये मांगी कि परवरदिगार मुझे ऐसे हमसाये से महफूज रखना जो मेरी अच्छाइयाँ देखे उन्हें छुपा ले और बुराइयां देखे तो उनका डंडोरा पीटता रहे। अल्लाह अकबर। नाज़रीन मुकर्रम, आज के इस पुरफितन दौर में दीन हमसे ये तकाजा करता है नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों से कि आओ अपनी ज़िंदगियों में सब्र शामिल करो। बड़े भाई के पास अच्छी जॉब है, आप सब्र करें, आप शुक्र करें अल्लाह का इसी पर ही, क्योंकि अल्लाह का फरमान है मैं साबरों के साथ हूँ और शुक्र करने वालों को मैं ही ज़्यादा देता हूँ। इन अल्लाह मा साबरीन लाइन शकार तुम लाजीदन्नकुम। देखें, यहाँ पर एक फिक्री बात मैं ये भी करना चाहूँगा, हम मुआशरे में देखते हैं कि एक बंदा एक दो चार पाँच दिनों में या वो दो सालों में इस कदर अप्रोच कर गया कि अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी हो गया, अच्छा मकान भी तमीर कर लिया, गाड़ी भी ले ली। अच्छा, फिर क्या हुआ कि ठीक दो तीन चार साल के बाद वो जू नीचे आया, आता गया आता गया, ऐसा नीचे आया कि अब हम लोगों ने दांतों में उंगलियां ली और कहा यार पता नहीं क्या हुआ है, अच्छा खासा आदमी था जी, कारोबार भी अच्छा था, बच्चे भी अच्छा कमाते थे, गाड़ी भी थी, वो फलां रकबा भी इसका था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है कि हर चीज़ ही मिलिया मेट हो गई है, ठीक है। तो उसमें जो छुपा हुआ राज है ना, जिसको हम नहीं पा सकते, वो राज ये है कि वो बंदा नशुकरा हो जाता है, उसके पास वक्त ही नहीं होता शुक्र करने के लिए। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया शुक्र दो किस्म का है, एक है ज़ुबानी जो हमारे मुआशरे में आम है, हमसे कोई बंदा मिलने आता है तो हम पूछते हैं सुनाओ क्या हाल है, जी अल्लाह का करम है, जी शुक्र है जी रब का। बंदा एक बीमार है उससे पूछे भाई क्या हाल है, वो आंदा जी शुक्र है रब का। यानी हर मामले में आप देखें, कितनी मिसालें दूँ, वक्त मेरे पेशे नज़र है, तो हर मामले में हम ये ज़ुबानी शुक्र कह देते हैं, लेकिन मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो ख़ास शुक्र है ना वो ये है कि अल्लाह करीम सर से लेकर पाँव तक हर चीज़ को अल्लाह के हुजूर झुका करके कहे सुभान रब्बी अल आला, सुभान रब्बी अल आला, सुभान रब्बी अल आला। अच्छा, यहाँ पर एक और हदीस शरीफ समाअत फरमाए नाज़रीन, ये भी हमारी फिक्री रहनुमाई करती है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब किसी बंदे पर मुसीबत नाजल होती है तो वो कहता है अच्छा अल्लाह जो तेरी रजा है मैं भी राजी हूँ। जी जी, बल्कि करीम आका अलैहिस्सलाम के वो फरमान पढ़ना चाहता हूँ। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन मुसीबती वख़लुफ़ ली खैरम मिन्हा। अच्छा, जो फरिश्ते होते हैं ना ज़मीन पर, वो जब उसकी मुसीबत के बाद ये कैफियत देखते हैं ना, वो अल्लाह के हुज़ूर पहुँचते हैं, तो अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है फरिश्तों क्या देखा तुमने उस मेरे बंदे के माहौल को कि जिस बंदे पर मैंने एक मुसीबत वारद की, क्या कहा है उसने? तो फरिश्ते कहते हैं बारी ताला उसने कहा है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें तेरे लिए हैं। फिर उसने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ऐ अल्लाह सब तेरी तरफ से आया है, सब तेरी तरफ जाएगा। और फिर अल्लाह तेरे उस बंदे ने जिस पर तूने मुसीबत वारद की उसने ये कहा है अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन मुसीबती, अल्लाह इस मुसीबत के मिलने पर मुझे अजर अजीम अता फरमा।
اور پھر مالک تیرے اس بندے نے کہا ہے وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اے اللہ اس کا بہترین نعم البدل مجھے عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اب ناظرین، جو اللہ کریم فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے وہ آپ حضرات نے سماعت کرنا ہے اور اپنے دلوں کی تختی پر نوٹ کرنا ہے، تاکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حق ترجمان کا فیضان جو ہے، جو ہماری دل کی تختی پر نوٹ ہوگا، انشاءاللہ اس کی شمائیں ہمارے ذہن و ضمیر کو معطر کریں گی، اور پھر انشاءاللہ ہم صبر کرنے پر بھی آ جائیں گے اور شکر کرنے والے بھی بن جائیں گے۔ اللہ کریم فرشتوں کو فرماتا ہے، فرشتوں اگر تو میرے بندے نے یہ کہا ہے کہ اللہ میں تیری عطا پر راضی ہوں، تو نے مصیبت دی میں پھر بھی راضی ہوں، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اس مصیبت پر مجھے بہتر اجر دے اور نعم البدل عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں میرے اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک گھر تعمیر کرو۔ سبحان اللہ۔ وہ گھر تعمیر کرو اور اس گھر کا نام رکھو بیت الحمد، جی حمد والا گھر یا حمد کرنے والے کا گھر۔ اور اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جانا، میں اپنے اس بندے کو یقیناً اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما۔ واہ واہ واہ۔ تو ضرورت اس عمل کی ہے، ہم ہر ہر معاملے میں صبر اور شکر کو اپنا وتیرہ بنائیں، اور پھر دیکھیں انقلاب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہماری زندگیوں میں سے نکھرتا ہوا باہر جائے گا، تو پھر یہ ماحول پیدا ہو جائے گا، ہر طرف ہی نبی پاک علیہ السلام کے سچے سچے غلام ہمیں نظر آئیں گے۔ اسی اشعار پر میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں کہ ہر ایک نفس عشق محمد کا پیامی کر لو، زندگی مٹ کے محبت میں دوامی کر لو، بادشاہ ہی ہے اگر دونوں جہاں کی درکار، دوست آؤ محمد کی غلامی۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ کیا بات ہے، بہت پیاری گفتگو، بہت پیارا پیغام، جو ویسے بھی ملک پاکستان کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، بیماری کے حوالے سے دیکھیں، یہ وبا جو کرونا کے حوالے سے پھیلی ہے اس کے حوالے سے دیکھیں، تو جو علامہ صاحب کی گفتگو سے پیغام یہ ملتا ہے کہ بیماری سے نجات بھی مانگیں اور دعا کریں کہ اللہ اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور ہمیں صبر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر رب نے تھوڑا دیا ہے تو اس امید اور یقین پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو آج رب کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جا، کل قیامت کے دن رب تیرے تھوڑے کیے ہوئے پر راضی ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، اس میں کوئی شک نہیں کہ صبر اور شکر کے حوالے سے جتنی گفتگو کی جائے اتنی ہی کم ہے، تو وقت بھی پیش نظر ہے، ہماری دعا ہے جو ملک پاکستان کے حالات ہیں کرونا کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے، اور جو مذہبی حوالے سے جو حالات ہیں، اللہ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے، اور اس کا جو پریشانیاں بنی ہیں کہ نعم البدل جو ہے وہ اچھا سے اچھا عطا فرمائے۔ جو اوپر سے لے کر نیچے تک جو حکمران ہیں، میں ان احباب سے بھی گزارش کروں گا کہ جو ہے جو حالات ہیں وہ آپ کے پیش نظر ہیں، تو جتنا ہو سکے کوشش کرے کہ حالات کو بہتری کی طرف لایا جائے تاکہ عوام الناس چین کا سکھ لے سکے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی نشست، آج کا پیغام آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ ناظرین، کل انشاءاللہ ملاقات کریں گے نئے مہمانوں کے ساتھ، بالخصوص آل نبی اولاد علی پیر زادہ پیر سید شاہد حسین گردیزی شاہ صاحب، ان کے ساتھ ہم نے شب قدر کے حوالے سے، شب قدر میں الحمدللہ ہمارے شہر سانگلہ ہل کے سبھی ثنا خانان مصطفیٰ اہل محبت، انہوں نے شرکت فرمائی تھی، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس دن کافی تشنگی رہتی تھی کہ قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے گفتگو کی جائے، تو انشاءاللہ گفتگو تب بھی ہوئی تھی لیکن بہت کم وقت میں تھوڑی سی گفتگو ہوئی، تو میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ کل آپ تشریف لائیں اور قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے گفتگو فرمائیں، اور جو آپ کے سوالات ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ اس گفتگو میں، اس بزم میں، ٹرانسمیشن میں شامل کیے جائیں گے، آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ انشاءاللہ کل اس موضوع پر گفتگو ہوگی، تو کلام شامل کرتے ہیں، اسی کے ساتھ میں اجازت لیتا ہوں، مجھے اجازت دیجئے، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔ جی محمد نبیل گلڑوی صاحب، کون سا کلام آخر پر پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں گے؟ بہت خوبصورت کلام ہے، جیسے کہ علامہ صاحب نے بہت پیارا ہمیں درس دیا ہے سب کے لیے، اسی حوالے کے ساتھ بہت خوبصورت کلام، اس کے دو تین اشعار۔ اور جی بسم اللہ۔ لفظ خود نعت کے امکان میں آ جاتے ہیں، لفظ
خود نعت کے لفظ خود نعت کے امکان میں آ جاتے ہیں جب بھی سرکار میرے دھیان میں آ جاتے ہیں جب بھی سرکار میرے دھیان میں آ جاتے ہیں ماشاءاللہ ہم تعارف کے بھی محتاج نہیں دنیا آج نہیں دنیا میں ان کی نسبت اس پہچان میں آ جاتے ہیں اور کیا خوب اشعار لکھا بسم اللہ بات نام سے رسالت کی اگر آ جائے بات نام سے رسالت کی اگر آ جائے ہم کفن باندھ کے میدان میں آ جاتے ہیں ہم کفن باندھ کے میدان میں آ جاتے ہیں کفن باندھ کے میدان میں آ جاتے ہیں آنکھ جب چومتی ہے الفاظ تو میرے جب چومتی ہیں الفاظ تو میرے آقا مسکراتے ہوئے قرآن میں آ جاتے نام جب ان کا حسن لب پر آ جاتا ہے نام جب ان کا حسن لب پہ آ جاتا ہے سبھی اشاق وجدان میں آ جاتے ہیں جب بھی سرکار میرے دھیان میں آ جاتے ہیں